Okay, hello, good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. चलो नाउ वी विल बी शिफ्टिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है जिसको आपको समझना है. ओके ठीक है चलो. एम आई ऑडिबल? बच्चों ओके चलो तो अब हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फिर हम देखेंगे आरआरबीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सारी बैंक्स हमें देखनी है. अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो बैंकिंग इंडिया में ब्रिटिश एरा से शुरू हो गई. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने तीन बैंक सेट किए थे, याद रखना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, जिसे हम देखो एक बात समझो, उस टाइम पे बॉम्बे वॉज अ प्रोविंस, सॉरी बॉम्बे वॉज अ प्रोविंस और अ प्रेसिडेंसी. बॉम्बे क्या था? बॉम्बे सिर्फ एक सिटी नहीं थी, बॉम्बे एक पूरा की पूरा प्रेसिडेंसी था, पूरा की पूरा एक स्टेट जैसा था बॉम्बे, समझा, प्रेसिडेंसी. उसके बाद मद्रास भी वैसा ही था, मद्रास एक पूरा प्रेसिडेंसी था, इट वाज ऑलमोस्ट अ स्टेट, समझा. यहाँ पे ब्रिटिशर्स जैसे जैसे अक्वायर करते गए उसे, उसे एक एक रीजन में मर्ज करते गए. तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सम पार्ट ऑफ गुजरात वॉज देयर, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज देयर, एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे. ओके ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल को पहले से बंगाली बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए बॉम्बे का जो हाईकोर्ट भी है उसे मुंबई हाईकोर्ट बोला जाता है, समझा. यहाँ पे महाराष्ट्र हाईकोर्ट नहीं बोला जाता क्योंकि पहले से बॉम्बे ही था. चलो सो अब आगे बढ़ते हैं. बैंक ऑफ मद्रास, फिर बाद में इनको मर्ज कर दिया इंपीरियल बैंक में, और इंपीरियल बैंक वॉज टेकन ओवर बाय SBI. इतना ही याद रखना, 1955 में ये सारी बैंक्स SBI बन गई. पहले तीन बैंक्स थी, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मद्रास, और 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना, उसको फिर इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट किया, उसको भी जाके आगे जाके 1955 में स्टेट बैंक बना दिया. जुलाई 1969, एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों? जुलाई 1969 को 14 मेजर शेड्यूल बैंक्स को क्या करवा दिया था? नेशनलाइज करवा दिया था, जिनके डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा थे, जिनके पास सिर्फ 50 करोड़. आज नेशनलाइज बैंक्स के पास लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज के डिपॉजिट है बेटा. पंजाब नेशनल बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें नीरव मोदी ने जो फ्रॉड किया उसकी ही वैल्यू कुछ 16,000 करोड़ है, उसकी ही वैल्यू 16,000 करोड़ है. तो उनके पास पैसा कितना होगा पीएनबी के पास, सोच लो, समझा. यहाँ पे तो जुलाई 1969, 14 मेजर बैंक्स, 14 बड़ी बड़ी बैंकों को कमर्शियलाइज कर दिया, बट वो बैंक्स जिनके पास डिपॉजिट्स कितने थे, 50 करोड़ से, बहुत ह्यूज अमाउंट है उस जमाने की, 50 करोड़. कौन सी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, आईओबी दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, अलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। फिर से समझा, इंडियन इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दो अलग बैंक थी, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दो अलग बैंक थी। इन सबको नेशनलाइज बैंक गवर्नमेंट ने इसलिए करवाया क्योंकि इनके पास इतना पैसा था, इनमें से एक भी बैंक डूब जाती ना तो बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो जाता। बैंक गवर्नमेंट ने बोला नाना बाबा हम इनको अपने पास ले लेते हैं। सम ऑफ द प्राइवेट बैंक्स वर ऑब्जर्व टू सफर फ्रॉम गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। इन्होंने देखा कि कुछ प्राइवेट बैंक्स में मैनेजमेंट का इश्यू है। फर्दर देयर वाज अ नीड टू एड्रेस द नीड ऑफ क्रेडिट डिलीवरी इन ग्रेटर मेजर। प्लस प्राइवेट बैंक है ना प्रॉफिट मोटिव से आते हैं बच्चों, प्राइवेट बैंक प्रॉफिट मोटिव से आते हैं। प्राइवेट बैंक इज रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यस और नो? तो प्राइवेट बैंक का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो इन बैंकों का एक मुश्किल होता है, ये ऐसे ही लोगों को लोन देंगे जिनसे इन्हें रिटर्न मिल सकता है, एंड वो होते हैं बिजनेसमैन। समझा, सिर्फ बिजनेस, एजुकेशन लोन वगैरह ये सब नहीं देते, ये बोलते भैया हमको पैसा कमाना है। इन द सेकंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन फिर छह और बैंक्स नेशनलाइज हुई, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो तीन देखो, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी दैट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ये भी नेशनलाइज हो गए। विद डिपॉजिट लाइबिलिटीज ऑफ 200 करोड़, मतलब इनके पास लोगों के डिपॉजिट्स कितने थे, लोग इनके पास डिपॉजिट कितना कर रहे करके गए 200 करोड़। दीज आर ऑल प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स, गवर्नमेंट्स ने बोला। सर वी मिस्ड द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैरा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 बेटा, वो हम लोगों ने तब पढ़ा था ना, रिजर्व बैंक के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। 1935 में रिजर्व बैंक बन गई थी। फिर पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, इनको भी हम लोगों ने इनको क्या करवा दिया, एस्टैब्लिश किया। तो याद मत रखो एस्टैब्लिश कब हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक तब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद ये सारी 14, ये मैं नहीं याद रखना आपको, आपको क्या क्या याद रखना है, कितनी बैंक्स को प्राइवेटाइज किया, नेशनलाइज किया, 14, कौन सी जिनके क्या क्या थे 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट थे। फिर 19, फिर वापस अप्रैल 1980 में 6 और बैंक्स को प्राइवेटाइज कर लिया जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट थे, ठीक है। इसके साथ साथ विद द नेशनलाइजेशन ऑफ दीज 6 बैंक्स द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई पकड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक्स की नंबर 28 हो गई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, यहाँ पे 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया, और ऑलरेडी 8 बैंक्स पहले से ही नेशनलाइज थी। तो टोटल नेशनलाइज बैंक्स कितनी हो गई, 28। याद रखना 1980 तक अपने पास 28 नेशनलाइज बैंक्स थी, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्रेडिट डिलीवरी का। क्रेडिट डिलीवरी मतलब नेशनलाइज बैंक्स पूरे दुनिया, पूरे देश के लिए बनी है। तो अमीर, गरीब, फार्मर, बिजनेसमैन सबको लोन देने का काम ये करती है। पीएसबीज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स। ओके, दे हैव रैपिडली एक्सपेंडेड देयर ब्रांच नेटवर्क, एक्सटेंडेड क्रेडिट टू क्रूशियल सेगमेंट्स। पीएसबीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गिविंग व्हाट, गिविंग क्रेडिट टू क्रूशियल सेगमेंट्स। सर क्रूशियल सेगमेंट्स मतलब कौन, क्रूशियल सेगमेंट्स मतलब देखा है, उन्होंने दिया है फार्मर्स वगैरह ये सब, जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज। उस जमाने में क्रूशियल, लार्ज इंडस्ट्रीज भी क्रूशियल सेगमेंट थे क्योंकि हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज की वाट लगी पड़ी थी। बट लार्ज इंडस्ट्रीज के जितना ही स्मॉल इंडस्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मैक्सिमम जॉब क्रिएशन ये लोग करते। देखो लार्ज इंडस्ट्री जीडीपी के लिए अच्छा होता है क्योंकि बड़े बड़े लेवल पे क्रिएट होगा ना, तो हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन लार्ज इंडस्ट्रीज कर सकती है। बट हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल, इतने सारे लोग हैं हमारे पास, उनको जॉब्स एमएसएमईज ही प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ट्रेड एंड रिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। समझा, पार्टिसिपेटेड होल हार्टेडली इन गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर। तो क्या था, प्राइवेट सेक्टर बैंक सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए ही काम करने लग गई थी। तो नेशनलाइज बैंक ने बोला हम सभी क्रूशियल सेक्टर्स के लिए काम करेंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज हो, छोटी इंडस्ट्रीज हो, फार्मर्स हो, ट्रेडर्स हो, रिटेल बिजनेस, सभी जरूरी है बच्चों। ट्रेडर भी जरूरी होता है बेटा, अगर ट्रेडर नहीं होगा तो ये लार्ज इंडस्ट्रीज गुड्स आप तक पहुंचाएगी कैसे। समझा कि नहीं समझा, सभी की जरूरत पड़ती है। डिस्पाइट द ओपनिंग अप ऑफ द सेक्टर टू प्राइवेट एंटिटीज इन अर्ली 1990s में हमने हमारा बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट बिजनेसेस के लिए ओपन किया। इनको बोला ठीक है जी लो अपनी जिंदगी प्राइवेट बैंक, तुम भी अपना बिजनेस चालू करो। फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आज भी है पीएसबी, फॉर्मिडेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज अंडरस्कोर्ड बाय द फैक्ट दैट देयर मार्केट शेयर इन ओवरऑल बैंक क्रेडिट एंड ओवरऑल बैंक डिपॉजिट्स 63.2% एंड 66.9% बाय फाइनेंशियल ईयर 18।
पुराने फिगर्स भी रहे तो भी याद रखो, इनका यही बोलना है कि सबसे ज्यादा लोन जो दिया गया है और सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट्स है वो पीएसबीज के पास ही है। सबसे ज्यादा लोन पीएसबी ने बांटा है, मतलब अगर इंडिया में 100 रुपीज का लोन बांटा जाता है तो उसमें से 63.2 रुपीज का लोन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दिया है। और इंडिया में अगर कोई 100 रुपीज जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो उसमें से 66.9 रुपीज, ऑलमोस्ट 67 रुपीज 100 में से किधर डिपॉजिट हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दो दिया मार्केट शेयर हैज कम डाउन ओवर द इयर्स। एक जमाना था 90% से ज्यादा शेयर इनके पास ही होता था, लोग इनके पास ही जाते थे, प्राइवेट बैंक्स के पास कोई जाता नहीं था। ठीक है, पीएसबी मे रीगेन सम और मोस्ट ऑफ इट, भले इनका शेयर कम हुआ है पीएसबी से वापस रीगेन कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी भी काफी कॉम्पिटेटिव है, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके प्रोडक्ट्स लेके आती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एसबीआई, बेटा एसबीआई ऐसी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करती है ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी परेशान हो जाते हैं, यार ये एसबीआई क्या भारी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है, समझा यहाँ पे। दे आर नाउ थ्रू विद द रिकग्निशन ऑफ बैड लोन्स एंड आर टेकिंग एफर्ट्स टू रिकवर देम। बैड लोन्स कौन से होते हैं, जो लोन्स हमने दिए बट हमें रिटर्न नहीं मिले, तो इन्होंने वो भी फेस पास कर लिया है, उन्हें रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फर्दर दे हैव टाइटेंड द लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस टू पुट इन प्लेस अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट न्यू लोन्स डोंट गो ऑफ किल्टर। मतलब क्या, इन्होंने एक अच्छा मैकेनिज्म सेटअप किया है। पहले क्या होता था ना, पब्लिक सेक्टर बैंक से लोग पैसे तो लोन तो लेके चले जाते थे बट भरते नहीं थे। अब वो होती थी गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से ज्यादा एक्शन भी नहीं ले पाते थे और इनका काफी नुकसान हो जाता था। इन्होंने अब एक क्या किया है, मॉनिटरिंग सिस्टम या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, मतलब ये मैकेनिज्म ध्यान देगा सभी के ऊपर, बोरोवर्स के ऊपर, जो लोन लेके गए इन सब पे ध्यान देगा कि कौन हमारे लोन्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है और उसे कैसे यूटिलाइज कर रहा है, वर ताकि वो लोन्स ऑफ किल्टर मतलब बैड ना हो जाए। मोर ओवर द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली पंपिंग इन कैपिटल टू नर्स देम बैक टू हेल्थ एंड पुशिंग फॉर कंसोलिडेशन। अब हो क्या रहा है, ये अगर नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, बेटा एक बात समझो, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर में हमारे जैसे नॉर्मल मैन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा लगाती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है। ठीक है, अब ध्यान दो, इस बैंक में लोगों ने डिपॉजिट कर दिया, इस बैंक ने उसमें से लोन दे दिया और लोन अगर रीपे नहीं हुआ, अगर ये लोन रीपे नहीं हुआ ठीक है, तो गवर्नमेंट इसमें पैसा इंट्रोड्यूस कर देती है। इनके साथ ऐसा नहीं होता, अगर इनके लोन्स रिकवर नहीं हुए, अगर मैंने इस बैंक से लोन लिया और इनको रीपे नहीं किया, ये डूबने लग जाएगी, समझा यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को अपने जेब से पैसा डाल के बैंक चलाना है। इसके ओनर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ओनर्स अपने जेब से पैसा डालते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर को पंप कौन कर रहा है पैसा, पंप मतलब इसमें कौन पैसा डाल रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन पैसा डालता है, गवर्नमेंट। व्हाइल सम ऑफ द पीएसबीज जैसे एसबीआई, पीएनबी एंड कैनरा बैंक आर लंबरिंग जायंट्स, ये बहुत बड़ी बैंक्स है, आप इनका अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ये इतनी बड़ी बैंक्स है। पंजाब नेशनल बैंक 16,000 करोड़ का उनके पास फ्रॉड हुआ, एक बंदा इनसे 16,000 करोड़ लेके भाग गया, ऑब्वियसली उसमें से कुछ पार्ट रिकवर हुआ बट फिर भी इतना बड़ा लॉस ये बैंक बेयर कर पाई क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। दे डिड नॉट बॉल्क When it was time to adopt, मतलब ये पीछे नहीं हटे। When it was time to adapt the changes in the financial systems as customer requirements, embracing retail banking and technology with gusto. बहुत भारी भारी वर्ड यूज किए, दिमाग मत लगाओ। इनका बोलना ये है, बेटा एक बात समझो, अगर आप है ना बैंकिंग सिनारियों को समझोगे तो बैंक्स को है ना बहुत ज्यादा वैल्यू है अपने लाइफ में। जैसे गांव में साहूकार लोगों को होती थी, गांव में साहूकार लोगों को, ठीक है, मनी लेंडर्स, क्योंकि बेटा जरूरत पड़ने पे यही लोग पैसे देते हैं। तो SBI, PNB और कैनरा बैंक जैसे बैंक जो देश की सबसे बड़ी बैंक्स है, ठीक है, जब भी कुछ नया आता है, इन्होंने ये नहीं बोला हम सबसे बड़ी बैंक है तो लोगों को हमारी जरूरत है, लोग आएंगे हमारे पास, हम नहीं बदलेंगे, ना, इन्होंने बोला दे नेवर बॉल्क, नेवर बॉल्क मतलब इन्होंने कभी, ये कभी पीछे हटे नहीं। जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो भी नई नई चीजें आ रही है, ये उसके साथ अपने आप को मॉडिफाई करते गए। रिटेल बैंकिंग मतलब हमारे जैसे कॉमन मैन, जो जैसे एक छोटा सा बंदा जाके 5,000 रुपए डिपॉजिट करता है अकाउंट में और इतना छोटा अकाउंट मेंटेन करता है, SBI बोलती है हम इनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, समझा। बड़ी बैंक खोलने के नाते देखो SBI के पास लाख्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज है, तो SBI ऐसे नहीं बोलते तू क्या 5,000 का डिपॉजिट लेके आया बे, जाना छोटी बैंक में, जा हमारा दिमाग मत खा, तेरे लिए एक अकाउंट बनाओ, ये बनाओ, ऐसा नहीं किया। दे हैव एम्ब्रेस्ड रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग मतलब कॉमन मैन के साथ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज उनको देना, एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी भी SBI की तो एप्स ही एप्स है,
समझा। सबसे पहला कैश डिपॉजिट मशीन SBI ने लाया था कि भाई लाइन में मत खड़े रहो, ATM से पैसे निकालते हो, वैसा एक मशीन लगा दिया हमने। अब तो काफी सारी बैंक्स ने लाया है, बट इस टेक्नोलॉजी को लाने का सबसे पहला काम SBI ने किया, समझा। तो SBI काफी कस्टमर फ्रेंडली होने लग गई, इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें गराज नहीं है, समझा, अलग ही बोल सकते थे। अ रीसेंट ड्रास्टिक इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज अ बैंकिंग रिफॉर्म मेजर्स। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड दिस वुड टेक द नंबर ऑफ बैंक्स इन द कंट्री फ्रॉम 27 to 12। वैसे हमारे पास 28 बैंक्स थी पहले नेशनलाइज, उसमें से एक बैंक ऑलरेडी किसी और बैंक में मर्ज कर दी थी, तो 27 बची थी। इस 27 में से 10 बैंकों को निकाल के सिर्फ 4 बैंकों में मर्ज किया जा रहा है। तो हमारे पास बेटा, अब उसका एग्जैक्ट मैथ्स मत लगाओ कि सर इतनी गई तो 17 प्लस उसमें से 4 बाकी है, तो कैसा। हमारी गवर्नमेंट का सोचना है, हमारी गवर्नमेंट मानती है कि अब हमारे पास कितनी नेशनलाइज बैंक्स करनी है, हमें 12। सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? बेटा एक बात समझो ना, बैंक्स मर्ज करने से हमको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। सपोज मेरा अकाउंट पहले पंजाब नेशनल बैंक में था, सॉरी मेरा अकाउंट सपोज किसी और, मेरे मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में था, और अब वो अगर SBI के साथ मर्ज हो जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा पूरा पैसा इधर चले जाएगा, मैं SBI की सर्विसेज ले लूंगा। गवर्नमेंट ने बोला हमारा पैसा बचेगा। कैसे पैसा बचेगा? SBI के पास, देखो SBI के पास एम्प्लॉइज जितने हैं उतने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी है। SBI की हर ब्रांच पे कैशियर है, तो इनके भी हर ब्रांच पे कैशियर होगा, समझा यहाँ पे। बट एडवर्टाइजमेंट के खर्चे बच जाएंगे, एडॉक एक्सपेंडिचर्स बच जाएंगे, बहुत सारी चीजें बच जाएगी, ठीक है। दीज बैंक मर्जर्स आर द वंस ऑलरेडी कैरिड आउट एंड द वंस ऑलरेडी कैरिड आउट, जो अभी होने वाले हैं और जो हो चुके हैं। इससे क्या होगा, एक बड़ी बैंक बन जाएगी जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी होगी लोन देने की, ठीक है। दीज बिग बैंक्स वुड ऑल्सो बी एबल टू कम्पीट ग्लोबली एंड इंक्रीज देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बेटा क्या होता है ना, बेसिक खर्चे कम हो जाते हैं। मैं 10 ब्रांचेस चला रहा हूँ, आप 6 ब्रांचेस चलाते हो, हम दोनों मिलके 16 ब्रांचेस चला रहे हैं। अगर मर्ज कर देना तो हम उन 16 ब्रांचेस को 12-15 बड़ी ब्रांचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पैसे मेरे पैसे मिक्स हो जाएंगे, तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा। द बैंक्स हैव बीन चोजन फॉर मर्जर ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरिंग दैट देयर इज नो डिसरप्शन इन द बैंकिंग सर्विसेज। ऐसी बैंक्स चूज की है कि जिन्हें मर्ज करने की वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए, कस्टमर की सर्विसेज पे अफेक्ट ना हो। सर मेरा अकाउंट इस बैंक में था, आपने उसको दूसरी के साथ मर्ज कर दिया, इधर का ब्रांच ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने। एंड द बैंक शुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड ग्रेटर रीच। जिनको मर्ज किया है उनको बोला, देखो सर हम आपको मर्ज तो कर रहे हैं, बट आपको मर्ज होने के बाद बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं, समझा। दोनों बैंक को फायदा होगा, क्योंकि देखो सर वैसे तो दोनों कंपनी गवर्नमेंट बैंक से अग्रीड, दोनों गवर्नमेंट बैंक से। मैं एक बैंक का मैनेजर हूं, मेरी बैंक किसी और के साथ मर्ज कर रहे हो, मैं क्या करूं जिंदगी में, फिर मैं जॉब छोड़ दूं? नहीं, इन्होंने बोला डोंट वरी, आपका काम रहेगा, मर्ज होने के बाद भी आपका काम रहेगा, हम गारंटी देते कि आपकी और उनकी बैंक मर्ज हो गई तो आपका भी काम बढ़ेगा। देखो नाम चेंज हो जाएगा बैंक का, आपका काम चेंज नहीं होगा, ब्रांच इधर ही रहेगी, समझा। तो इन्होंने बोला भैया आपको रीच भी ज्यादा मिलेगा और बेनिफिट्स भी ज्यादा। द लार्जेस्ट ऑफ द मर्जर्स अनाउंस इज दैट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक। PNB के साथ दो बैंक्स मर्ज कर दी, OBC एंड यूनाइटेड बैंक। द अमालगमेटेड एंटिटी, अमालगमेशन के बाद इसे बोला तो पंजाब नेशनल बैंक ही जाएगा, ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएगी इंडिया में SBI के बाद। सबसे बड़ी SBI रहेगी ही, पता नहीं, SBI गवर्नमेंट का फेवरेट बच्चा है और सबसे पहला नेशनलाइज बैंक भी है, ये मत भूलो। पंजाब नेशनल बैंक पहले प्राइवेट बैंक था, बाद में इसको अपने घर में लिया है गवर्नमेंट ने, समझा। तो याद रखो कि सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा SBI होगा, क्योंकि वो सगा बेटा है, बाकी सारे सौतेले बच्चे थे, दूसरों के उठा के लाए हुए है, समझा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, बट आपको भी पता है गवर्नमेंट ने सबसे पहले 3 बैंक्स बनाई थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। उसको इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट किया, उसका नाम चेंज किया, इंपीरियल बैंक को बोला कि बड़ा हो गया तो SBI बनेगा, बड़ा हो गया इंपीरियल बैंक, उसको SBI बना दिया। तो SBI गवर्नमेंट का खुद का बच्चा है, और बाकी सारे बैंक क्या थी, प्राइवेट बैंक थी, बट इनके पास बहुत पैसा था। गवर्नमेंट ने उस जमाने, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी 1947 में, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब से 1991 तक गवर्नमेंट ने बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट ही थी, बट गवर्नमेंट ने पब्लिक के बारे में बहुत सोचा। गवर्नमेंट ने देखा यार अगर हम पब्लिक के बारे में नहीं सोचेंगे तो अमीर लोग इस देश को खा जाएंगे। मतलब वो बुरे हैं ऐसा नहीं है, बट क्या ना, कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, पूरा देश उनके कंट्रोल में आ जाएगा, सारे बिजनेसेस वही डाल के बैठ जाएंगे। इसीलिए हमने रिसेंटली देखा, रिसेंटली एयर इंडिया को किसने टेक ओवर कर लिया,
एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया टाटा ने। ये पहले भी टाटा के पास ही था, ये पहले भी टाटा के पास था, बट अब हुआ क्या, देखो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा, हमारी गवर्नमेंट मिस्टर टाटा के खिलाफ नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट ने सीधा बोला कि देखो हम अभी जस्ट इंडिपेंडेंट हुए, सारे बिजनेसेस पहले ब्रिटिशर्स के पास थे, अगर आपको हम एयरलाइन बिजनेस चलाने देंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टाटा, आप चलाओ एयरलाइन बिजनेस, बट कभी आपको जिंदगी में कोई कॉम्पिटिटर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप अकेले एयरलाइन बिजनेस में हो, इतना बड़ा पैसे वाला इंसान कोई है नहीं हमारे देश में, समझा, यहाँ पे हमारे देश में इतना पैसे वाला इंसान कोई है नहीं जो आपको कम्पीट कर पाए, तो आप इस बिजनेस को जैसे भी चलाओगे लोगों को तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चलो आप अच्छा भी चलाओगे, आज अच्छा चलाओगे, 20 साल बाद अच्छा चलाओगे, 50 साल बाद अच्छा चलाओगे, उसके बाद क्या गारंटी, अगर आपकी मोनोपोली बन गई तो, और अगर आपके फ्यूचर के जो सीईओज है उन्होंने अगर ठीक से काम नहीं किया तो, ठीक से मतलब उन्होंने अगर इसका फायदा उठाना शुरू किया तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे रीजन थे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारी गवर्नमेंट ने बोला हम किसी को भी मोनोपोली बनाने का मौका नहीं देंगे, इसीलिए सारे बिजनेसेस जो प्राइवेट बिजनेसेस थे ना उनको गवर्नमेंट एक एक करके कैप्चर करते गया, दिस वॉज रॉन्ग, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत था, ये गलत स्टेप उठाया था, गलत मतलब इट वॉज अ वेरी हार्श स्टेप, हार्श बहुत ज्यादा हार्श स्टेप था, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था बट जरूरी था, तब गवर्नमेंट ने वो किया। आज देखो टाटा को अपना एयरलाइंस तो वापस मिल गया, बट आज हमारे पास चार पांच और एयरलाइंस है, समझा कि नहीं समझा, बैंक्स का ले लो, अगर तब बैंकिंग बिजनेस बड़े बड़े बैंकों से हाथ नहीं लिया होता ना बैंक, तो देखो जैसे पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट बैंक थी, अगर गवर्नमेंट उसे अपने हाथ में नहीं लेती, क्योंकि उन बेटा अतुल इज आस्किंग कि सर रिलायंस एयरलाइंस क्यों नहीं लॉन्च करती, बेटा उनको नहीं जाना है, क्या होता है ना ये जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट होते हैं ना, इनके दिमाग में एक गोल होता है कि हमको कौन से सेक्टर्स में एंटर करना है और कौन से सेक्टर्स में नहीं एंटर करना है, कौन से सेक्टर में एंटर करना है कौन से सेक्टर में नहीं करना है, एयरलाइंस उनके सेक्टर में नहीं है, उनके दिमाग में ही नहीं है, उनके गोल्स होते हैं, उनके प्लान्स होते हैं, बेटा वो ऐसे ही थोड़े दिन भर बैठे होते, उनके दिमाग में बहुत प्लान्स होते हैं, वो सेक्टर वाइज चूज करते हैं, उन्हें टेलीकॉम में जाना था उन्होंने जियो चालू किया, ठीक है, और वो भी कुछ गोल होता है उसके पीछे, उनको मालूम है कि फ्यूचर इज अबाउट इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन, गूगल को देख के उन लोगों को भी समझा कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है ना वो बहुत पैसा कमाएगा, तो इन्होंने टेलीकॉम चालू किया, टेलीकॉम चालू करती है हमारी काफी सारा बेसिक डिटेल इनके पास पहुंच जाती है, इन्होंने रिटेल चालू किया, इन्होंने ये देख लिया कि कुछ भी हो जाओ रिटेल तो चलते ही रहेगा, टाटास के पास सब कुछ है, टाटास ने सिर्फ टेलीकॉम बंद किया बट टाटास के पास बाकी सब कुछ है, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, SBI इनका खुद का बच्चा है इसलिए इनको सबसे ज्यादा प्यारा, और SBI हमेशा से ऊपर ही रहेगा, फिर पंजाब नेशनल बैंक सेकंड बैंक बन जाएगी, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आएगी तीसरे नंबर पे, इट विल ऑल्सो बिकम सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ ब्रांच नेटवर्क, इनके पास टोटल बैंक हो जाएंगे अगर इन तीनों, देखो बेटा पंजाब नेशनल बैंक के पास राकेश झुनझुनवाला इज लॉन्चिंग अकासा एयर, यस बेटा वो कर देंगे बिकॉज उनके टारगेट में है कि मुझे एयरलाइन इंडस्ट्री में, अरे देखो आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फॉर दैट मैटर अभी या फिर अतुल या फिर साक्षी, बेटा आप जब बड़े हो जाओगे और आपके पास बहुत पैसा आएगा तो आपको कुछ बिजनेसेस करने का इच्छा होगा कि यार ये बिजनेस करते हैं मेरे को मजा आ रहा है, कुछ बिजनेसेस करने के लिए पैसे होंगे बड़ा बोल रहे यार मेरे को उस रास्ते जाना ही नहीं है, समझा यहाँ पे, तो जो बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है वो आप ओपन करोगे, आपको लगता है फूड लाइन अच्छा है हमने रेस्टोरेंट का चेन ओपन करना चाहिए कर दोगे, आपको लगता है कपड़ों का बिजनेस अच्छा है आप वो कर दोगे, आपको लगता है मेडिसिन का बिजनेस अच्छा है कर दो, समझा यहाँ पे, ठीक है। हर एक के मन में कुछ ना कुछ होता है बेटा कि मुझे ये बिजनेस पसंद है बट ये पसंद नहीं है, तो वो नहीं पसंद मतलब मुझे नहीं करना यार वो बिजनेस, तो वो नहीं करते, तो राकेश झुनझुनवाला को मूड होगा अकासा एयरलाइन ज्वाइन कर, उसको एयरलाइन बिजनेस में एंटर करना होगा इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। अरे एक सेकेंड रुको, हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड बहुत हैंग होता है, मेरा लैपटॉप इतना अच्छा हो गया भी हैंग हो रहा है, क्या होता होगा बेचारों का दूसरे लैपटॉप्स वालों का। द सेकंड मर्जर वाज अनाउंस्ड ऑफ कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक, ठीक है, इसे फोर्थ लार्जेस्ट बना देगी, थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा है, भूलना मत बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड है, समझा यहाँ पे। दिस मर्जर ऑल्सो हैज अ पोटेंशियल टू लीड टू लार्ज कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू नेटवर्क ओवरलैप्स, नेटवर्क ओवरलैप्स मतलब क्या, इनके सेम नेटवर्क है, कैनरा बैंक भी उधर ही काम कर रहा है सिंडिकेट, तो क्या है ना इनका दो नेटवर्क, मतलब मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ तुम भी उसी रास्ते जा रहे हो तो दो की जगह एक ही गाड़ी में जाएंगे, वैसा सीन है। द सिमिलर बिजनेस कल्चर्स ऑफ टू बैंक्स वुड फैसिलिटेट अ स्मूथ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा,
क्योंकि कैनरा बैंक का जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग कल्चर मतलब रोज का जो उनका काम करने का तरीका है, वो सिंडिकेट बैंक के जैसा ही है, तो एम्प्लॉइज को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब ये तीन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक अगर मर्ज हो गई तो तीनों के ब्रांचेस भी मर्ज हो जाएंगे। जहां जहां ओरिएंटल बैंक का कॉमर्स का ब्रांच है उसका बोर्ड चेंज हो जाएगा, यूनाइटेड बैंक का ब्रांच है उसका बोर्ड चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ जगह पे पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक एग्जैक्ट बाजू में है तो उसे कम कर देंगे, इतना तो करेंगे। तो तीनों की मिला के टोटल ब्रांचेस जो थी वो अब हो जाएगी 11,437, बट सब पे नाम पंजाब नेशनल बैंक का आएगा, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक सेकंड हो जाएगी। फोर्थ मर्जर किसका था बेटा, चारों याद कर लेना। सेकंड दिया है, थर्ड नहीं दिया, डायरेक्ट फोर्थ दे दिया, ठीक है। फोर्थ मर्जर इंडियन बैंक एंड अलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक और अलाहाबाद बैंक, ठीक है। इससे इनका बिजनेस साइज डबल हो जाएगा, मतलब ये ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर साइज के बैंक्स हैं, एंड वुड लीड टू ह्यूज पोटेंशियल फॉर स्केलिंग अप ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क्स ऑफ टू बैंक्स। छोड़ दो, ये दोनों को एक दूसरे की बहुत मदद मिल जाएगी। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दीज रिफर टू दोज बैंक्स वेयर मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन प्राइवेट हैंड्स, ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में होती है, ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में होती है। इनमें बड़ी बैंक्स भी आती है, छोटी बैंक्स भी आती है। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। समझाया आपने, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। न्यू मतलब और ओल्ड मतलब याद रखना पड़ेगा। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज व्हिच एग्जिस्टेड इन इंडिया at the time of nationalization of major banks but were not nationalized due to their small size or some other reason. Old private banks ऐसी है कि जब पंजाब नेशनल बैंक वगैरह का नेशनलाइजेशन हो रहा था, बाद में वो कैनरा बैंक वगैरह का, बाद में आंध्रा बैंक वगैरह का, जो नेशनलाइजेशन प्रोसेस था उस जमाने में क्या हो रहा था बच्चों, ये सारी प्राइवेट बैंक्स थी। बट जो बैंक्स जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल था, 50 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल था, उन्हें नेशनलाइज किया जा रहा था। तो ये बैंक्स थी बट ये छोटी थी, इसलिए इनको नेशनलाइज नहीं किया। तो ठीक है, इनको नेशनलाइज नहीं किया, ये कभी गवर्नमेंट के हाथ में गए नहीं, बट ये प्राइवेट बिजनेसमैन की बैंक थी। प्राइवेट बिजनेसमैन मतलब जिसने अपना पैसा लगाया, इसने धीरे धीरे कोशिश की बिजनेस को बढ़ाने की और ये बहुत बड़ी बैंक्स बन गए। आफ्टर द बैंकिंग रिफॉर्म्स दे गॉट लाइसेंस टू कंटिन्यू एंड हैव एग्जिस्टेड अलोंग विद न्यू प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स। समझा यहाँ पे, 12 ओल्ड प्राइवेट बैंक्स अभी भी, मतलब ये बहुत पुरानी बैंक्स है बट इन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया गया। CSB, कैथलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये भी अच्छी खासी फेमस बैंक है। लक्ष्मी विलास बैंक भी बड़ी है, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट नैनीताल बैंक, एंड RBL हो गया इसका नाम, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ये भी सुना होगा आपने, रत्नाकर बैंक। साउथ इंडियन बैंक, यस ये भी सुना है मैंने। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक नहीं सुना। अमंग द बैंक्स, नैनीताल बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब नैनीताल बैंक में 50% से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है नैनीताल बैंक, ये है नैनीताल बैंक, और इनका जो कैपिटल है, जितना पैसा है इनका जो कैपिटल है, इसमें कितना 98.57% कैपिटल बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है। सर नाइट को सारे लाइव अटेंड नहीं कर पाते, मैं रोज अभी मॉर्निंग 8:30 ही लेने वाला हूं, दिवाली का टाइम है, सुबह लेक्चर खत्म हो जाते हैं, आप शाम को आपकी पढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत घर वालों को शाम के लिए हेल्प वेल्प कर सकते हो। समझा यहाँ पे, माई लेक्चर्स विल कमेंस इन द मॉर्निंग ओनली। मैं मॉर्निंग 8:30 ही लूंगा, चाहिए तो 8 बजे भी ले सकता हूं, टाइमिंग देख लेंगे हम लोग, डिस्कस कर लेंगे, 7:30 चाहिए या 8 चाहिए या 8:30, तीन ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो हम लोग ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है, पोल ले लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक वर इनकॉर्पोरेटेड एज पर रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय RBI रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन 1993। अब हुआ क्या, ये जो पुराने बैंक्स है ना बच्चों, ये जो पुराने बैंक्स है ना, ये इंडिपेंडेंस वगैरह के टाइम से है, बस इनको क्या नहीं मिला, इनको क्या नहीं मिला, इन पुरानी बैंक्स को इनको नेशनलाइजेशन नहीं मिला, इनको नहीं किया तो भी अभी तक चल रही है।
फिर 93 में हमने हमारा बैंकिंग सेक्टर ओपन अप किया एलपीजी के तहत. यू रिमेम्बर एलपीजी लिक्विडेशन. हम सॉरी, मैं लिक्विडेशन क्यों बोल रहा हूं पता नहीं, मैं अकाउंट सिखा रहा था इसीलिए. हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट बैंक्स को ओपन करने के लिए. फिर हमारे पास ओपन हुई एक्सिस बैंक, डीसीबी, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रीज क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रीज क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस इंड बैंक, वो इंडस इंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट करके हो गया शायद इनका नाम, एंड बंधन बैंक. वन ऑफ बंधन बैंक के ओनर के बारे में पढ़ना, बहुत छोटे से बैकग्राउंड से ये बंदा इतना ऊपर आया. नेक्स्ट आती है स्मॉल प्राइवेट बैंक्स. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास लाइसेंस है. एक सेकंड ना, कोई और ऐप ढूंढना पड़ेगा यार मुझे फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड. आई एम रियली फेड अप. ओके चलो नेक्स्ट हम जाते हैं स्मॉल प्राइवेट बैंक्स की तरफ. ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास लाइसेंस है टू ऑफर फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज. फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज का मतलब एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, प्रोवाइड लोन्स, ठीक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग. द एम ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन. ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विसेज मिले. ये छोटी छोटी बैंक्स होती है जो छोटे छोटे एरियाज में ओपन अप हो जाती है, एक आधे स्टेट में, दो पांच सिटीज में, समझा यहाँ पे, ठीक है. ये ऐसे एरियाज में ओपन होती है दो उन सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी, ऐसे लोगों के लिए बैंक होती है जिन्हें बड़ी बैंक्स सर्व करती है, बट ये लोग ऐसी बड़ी बैंकों के पास जाते नहीं है. लाइक स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स. अब स्मॉल मार्जिनल फार्मर होता किधर है बेटो, बच्चों, गांव में होता है. सर अगर मैं चाहूँ तो अपना बैंक ओपन कर सकता हूँ. बेटा बैंक अकाउंट एक छोटे बच्चे का भी ओपन हो सकता है. सिर्फ अगर एक माइनर का बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो फिर उसका कोई गार्डियन वार्डियन लगता है, साइनिंग अथॉरिटी. बैंक अकाउंट किसी का भी ओपन हो सकता है. ओके, आप भी ओपन कर सकते हैं. आपको कोई आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. बैंक देख लेगी वो, समझे, आपके लिए आरबीआई. बच्चों आरबीआई गाइडलाइंस हमको एप्लीकेबल नहीं होती, आरबीआई गाइडलाइन देता है बैंक्स को, तो बैंक ने फॉलो करनी चाहिए. हमारा कोई लेना देना नहीं है. हम बैंक में अकाउंट ओपन करने चले गए, बैंक ने हमको जो डॉक्यूमेंट मांगे हम देंगे. आरबीआई आपको नहीं बोलेगा तूने एक डॉक्यूमेंट कम दिया. हम बोलेंगे भाई मेरे को क्यों बोल रहा है, तू है कौन आरबीआई, हमारे ऊपर कोई चलता नहीं तेरा राज, समझा. बेटा मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स गांव में होते हैं, ठीक है, और हर एक गांव में बड़ी बैंक्स या कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस नहीं होती है. माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर छोटे मोटे बिजनेसमैन, आई मीन दुकानदार, जनरली अनऑर्गेनाइज होता है, समझा, या फिर ठेले वाले, ठीक है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं. अच्छा बैंक खोलना है, अच्छा बैंक ओपन करना है, बैंक ओपन करना है तो आरबीआई के गाइडलाइंस बोलो ऑब्वियसली करने पड़ेंगे. सबसे पहले तो बैंक खोलने के लिए परमिशन ही आरबीआई से लेना पड़ता है, ठीक है. तो आप जान दो इधर स्मॉल प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, याद रखो क्या क्या लिखा है. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. सबके नाम में एक चीज जो कॉमन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये लोन भी एक स्मॉल अमाउंट का ही देंगे. आप इनके पास जाके 50 करोड़ का लोन मांगो, नहीं देंगे. ये बैंक ही स्मॉल फाइनेंस देने के लिए बनी है, याद रखना, समझा. ऑलमोस्ट एवरी रिफॉर्म इज बॉर्न आउट ऑफ क्राइसिस. बच्चों हम हमारी लाइफ में चेंजेस कब लाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम आती है तब, समझा कि नहीं समझा. जैसे आप अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि एग्जाम देनी है, देखो एग्जाम प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको कोई रिजल्ट अचीव करना है और आपको दिख रहा है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप आपका स्केड्यूल चेंज करोगे. मतलब हर बार जब प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ चेंजेस लाते हैं. सो इन द केस ऑफ विद इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए थे, एक्सपोर्ट वर लेस एंड इम्पोर्ट्स वर ह्यूज. इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, इससे हो क्या रहा था,
इससे हो क्या रहा था बच्चों, हमारे पास जो कैपिट सॉरी जो फॉरेन करेंसी आ रही थी, फॉरेन एक्सचेंज, वो कम पड़ रही थी और हमें जो पेमेंट देने थे वो बहुत ज्यादा थे। समझाया यहाँ पे, हमें जो पेमेंट देने थे वो बहुत ज्यादा थे और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ा था, तो गवर्नमेंट को लाइसेंसिंग खत्म करना पड़ा। लाइसेंस राज, इसे ना बेटा एलपीजी के पहले वाले पीरियड को लाइसेंस राज बोला जाता है। आपके घर वालों को पूछ लेना व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइसेंस राज। आपको कोई भी धंधा चालू करना है ना, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, एक्सेप्ट फॉर छोटी मोटी दुकानें वुकाने। मेरे को चाट सेंटर चालू करना है तो मेरे को गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। बैंक चालू करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। इनको दिखा कि जब तक प्राइवेट बिजनेसमैन को हम लोग फ्रीडम नहीं देते, हमें पैसे मिलेंगे नहीं, हमारी बहुत नुकसान हो जाएगी। समझा, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचे थे, तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, ही बिगैन सेटिंग अप अ फ्रेमवर्क फॉर फिस्कल रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट के इसमें रिफॉर्म्स लाने के चेंजेस किए अंडर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। तब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, एंड रंगराजन एज गवर्नर बिगैन इरेक्टिंग अ न्यू मॉनेटरी स्ट्रक्चर। बस इतना ही याद रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ऑल दो आरबीआई हैड द मैंडेट टू इश्यू न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस, इट डिड नॉट अंटिल 1994। आरबीआई के पास ऑप्शन था, आरबीआई को हम लोगों ने ऑर्डर देके रखा था कि आपको किसी को अगर बैंकिंग लाइसेंस देना है तो दे दो, बट इन्होंने दिया ही नहीं। समझा, सो इट वॉज ऑल्सो टाइम वेन द मार्केट वर रॉक्ड बाय फ्रॉड्स इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेगमेंट्स, विद सीआरबी फाइनेंशियल बींग द प्राइम एग्जाम्पल। सीआरबी फाइनेंशियल का उनके एक कंपनी था, सीआरबी फाइनेंशियल, ये एक एनबीएफसी था। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब ये लोग सिर्फ लोन देने का काम करते थे, बट बेटा लोन देने के लिए ये क्या करते थे, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते थे, क्योंकि डिपॉजिट तो ले नहीं सकते, ये बैंक नहीं है, तो ये लोगों से डिपॉजिट लेके उसे लोन नहीं देते थे। ये लोगों को बोलते थे हमारी कंपनी की ओनरशिप बाय करो, ये लोगों को बोलते थे हमारी कंपनी की क्या बाय करो, ओनरशिप बाय करो। समझा यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है बोला भाई। अब इन्होंने क्या किया, जिनको लोन दिया उन्होंने लोन रीपे नहीं किया, तो इनके इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट डूब गई। समझा यहाँ पे, सो इट वॉज प्रोविडेंशियल एस्केप फॉर द आरबीआई विच वॉज अबाउट टू गिव अ बैंकिंग लाइसेंस टू सीआरबी एज वेल। हुआ क्या, आरबीआई के पास ऑप्शन थे लाइसेंसेस बांटने के, कि आप प्राइवेट बैंक को लाइसेंस बांटो, ठीक है, आरबीआई देने ही वाली थी लाइसेंस। आरबीआई क्या करने वाली थी, लाइसेंस देने वाली थी, सीआरबी को भी देने वाली थी, और सीआरबी में बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। आरबीआई ने बोला हम लाइसेंस नहीं देंगे भैया, हम प्राइवेट बैंक को लाइसेंस नहीं देंगे, क्योंकि हम देने का सोच रहे थे और प्राइवेट बैंक ऐसे फ्रॉड करते हैं और हमें चिंता है उन इन्वेस्टर्स की, उन शेयर होल्डर्स की, उन डिपॉजिटर्स की। अगर सीआरबी को बैंकिंग लाइसेंसेस दे देते तो इन्वेस्टर्स के साथ साथ डिपॉजिटर्स का भी पैसा खा जाते ये लोग। समझा यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन सच एज आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड यूटीआई वर गिवन लाइसेंसेस, क्योंकि ये काफी बड़ी बैंक्स थी। अदर्स हु मैनेज्ड वर इन किनको किनको लाइसेंसेस मिले, सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, इंडसइंड बैंक ऑफ द हिंदुजाज, बारिंग इंडसइंड, ऑल अदर्स मर्ज्ड इनटू अनदर बैंक। अब सेंचुरियन बैंक भी नहीं बचा, किसी और के साथ मर्ज हो गया, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बट इनको लाइसेंसेस मिले थे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वॉज द फर्स्ट वन टू ब्लो अप अमंग्स द न्यू एज बैंक्स इन द मिड्स ऑफ अ स्कैंडल। देखो वही हुआ, प्राइवेट बैंक्स का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं प्राइवेट बैंक चला रहा हूँ बच्चों, मैं प्राइवेट बैंक चला रहा हूँ, प्राइवेट बैंक चला रहा हूँ मतलब क्या, मैंने एक बैंक ओपन कर दी, जैसे कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। डिपॉजिटर्स आके यहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिटर्स पैसा जमा करते एक भरोसे के साथ कि उन्हें इस पे ब्याज मिलेगा, वेरी गुड, बट डिपॉजिटर्स को ये पता ही नहीं कि हम किसको लोन दे रहे हैं। और अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में ऑडिट करने जाओगे ना, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो गया हूँ ऑडिट करने के लिए, ठीक है, छोटी छोटी बैंक्स होती है ना प्राइवेट बैंक्स, वो जनरली दो चार बिजनेसमैन के भरोसे पे चलती है, वो उनको ही लोन देती है, उनसे ही पैसा वापस लेती है, उनके डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखते ये लोग, क्योंकि वही इनके लिए बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं और उस बैंक को बहुत इनकम मिलती है। तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूब गई। इट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट आरबीआई जजमेंट। लोग आरबीआई पे सवाल उठा रहे कि सर आपको लाइसेंस देने का अधिकार है, इसलिए आप किसी को भी लाइसेंस दोगे क्या, ठीक है, इसलिए आरबीआई स्ट्रिक्ट होते गया कि लाइसेंस तो दूंगा बेटा बट इतना ध्यान रखूंगा ना तेरे ऊपर। बट अ सेंट्रल बैंक वॉज क्विक इनफ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, और सेंट्रल बैंक ने उठाया ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को और ओबीसी में डाल दिया, जो कि एक नेशनलाइज बैंक है, सीधा बोला कि भैया नेशनलाइज बैंक के साथ तुम्हें मर्ज कर देंगे, अब उधर ध्यान देने का तुमने। समझा, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक को एचडीएफसी के साथ मर्ज कर दिया, आईडीबीआई एनएससी 5.7% आईडीबीआई बैंक, ठीक है, विच मर्ज्ड विद द पेरेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई का एक छोटा बैंक था, इसको फिर आईडीबीआई के साथ मर्ज कर दिया। समझा यहाँ पे,
एंड ये जो है IDBI, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि किसी बिजनेस को कैसे नहीं चलाना चाहिए, कितना खराब। देखो तो इन प्राइवेट बैंक्स को बहुत ज्यादा स्कोप दे रही थी हमारी गवर्नमेंट, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लो, मैं 1 मिनट में आता हूं। आई नीड टू ड्रिंक वाटर, बस 1 मिनट में आया, रुक जाओ बच्चों। ओके, फाइनली चलो आई एम बैक। चलो है क्या सब लोग, जल्दी जल्दी ध्यान दो इधर। ओके, इज एवरीवन योर आगे के पानी पी के। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDCI। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि इसमें की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना है। अब हुआ क्या, हमें 1947 में मिल गया इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमें 1947 में मिल गया इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आप अगर एक बिजनेस चालू करना चाहते हो तो छोटे मोटे बिजनेस आप आपकी जेब से पैसा लगा के चालू कर सकते हो। बट सर अगर मुझे बड़ा बिजनेस चालू करना है तो आजकल कंपनीज क्या करती है, जैसे आप मुझे रोज पूछते रहते हो, सर इसका IPO, उसका IPO, नाइका का IPO आ रहा है, पेटीएम का IPO आ रहा है। अब जितने बिजनेस को जानते हो सब IPO निकाल रहे हैं। IPO निकाल रहे मतलब ये क्या करते हैं, ये लोग जनरल पब्लिक को बोलते हैं कि हम शेयर्स बेचने वाले हैं, मुझे 7,000 करोड़ चाहिए। कितने चाहिए, ध्यान दो इधर, मुझे चाहिए 7,000 करोड़। आपको अंदाजा है 7,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है? 7,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये क्या करती है कंपनीज, लोगों से पैसा इकट्ठा करती है 7,000 करोड़, और उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। सोचो कितना बड़ा बिजनेस ओपन अप होगा 7,000 करोड़ से। ठीक है, तो आजकल इन कंपनीज के लिए आसान है क्योंकि क्योंकि इंडिया का कैपिटल मार्केट बहुत स्ट्रांग है। कोई भी कंपनी IPO लॉन्च करती है ना तो बिक जाता है, उनके सारे शेयर्स बिक जाते हैं। ठीक है, बट 1947 में इंडिया का कैपिटल काफी डेवलप, बिल्कुल भी डेवलप नहीं था, लोगों को भरोसा नहीं था। उस जमाने में लोग अपना पैसा किसी और को नहीं देने में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, कैपिटल की जरूरत तो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बट कैपिटल देने वाले जो लोग थे इन्वेस्टर्स, देर वॉज अ डर्थ ऑफ इट। डर्थ, डर्थ मतलब स्केयरसिटी, नहीं थे ज्यादा लोग, डरते थे। डर्थ का मतलब डरते थे नहीं था, ठीक है, बट ऐसे याद रखो, डरते थे लोग। ठीक है, सो इट वाज, देयर वाज अ, ऐसे भी याद मत रखो, आई डोंट लाइक ऐसे गलत तरीके से याद रखना। ठीक है, डर्थ ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर्स, लोग देने वाले लोग अवेलेबल नहीं थे। द कमर्शियल बैंक दैट एग्जिस्टेड वर नॉट इक्विप्ड वेल इनफ टू प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स। कमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसा नहीं था कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए दे दे। इन्वेस्टर्स भी नहीं थे जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, ठीक है, एंड टू ब्रिज द डिमांड
सप्लाई गैप ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल चाहिए बिजनेसेस को उतना अवेलेबल नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFCI शुरू किया सबसे पहले। IFCI इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI नाम में ही लिखा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रीज को लोन देगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। आपको लोन चाहिए ना, तो देखो आपको कैपिटल मार्केट से लोन मिल रहा है नहीं, बैंकों से मिल रहा है नहीं, हमारे पास आओ। IFCI पहला क्या था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, अब है ना ये सारी बैंक्स काफी कम हो गई है। अब हमारे पास ऐसी सारी बैंक्स कम हो गई है फॉर अ सिंपल रीजन, आज फाइनेंस की जरूरत पड़ती है लोगों को, तो देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। बेटा इंडिपेंडेंट जब हुआ था ना हमारा देश, इंडिपेंडेंट जब हुआ था तब एग्रीकल्चर, बिजनेस, सर्विस सेक्टर सभी की वाट लगी थी, और इन्हें डेवलप करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट ने हर एक चीज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाया, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, समझा कि नहीं समझा, नाबार्ड बनाया, समझा, नाबार्ड, ये आईडी, IFCI, MSME बैंक्स, सभी सेक्टर्स के लिए डेवलपमेंट बैंक्स बना रही थी। गवर्नमेंट बोल रही थी आप बिजनेस चालू करो यार इस सेक्टर में, फार्मर्स के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए, सभी के लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज के लिए, ओके, फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज सबके लिए गवर्नमेंट बैंक्स बना रही थी हर एक टाइप के बिजनेस के लिए। सो उसमें था IFCI। और हमारे देश में आज भी, याद रखो, हमारे देश में इंडस्ट्रीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये बहुत ज्यादा क्या क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट। IFCI वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सेटअप टू प्रोपेल मतलब पुश इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री दोनों को डेवलप करना, बेटा सिर्फ इंडस्ट्री डेवलप करके नहीं चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है। जैसे आज हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हर एक सिटी के पास आसपास होते हैं, हर एक सिटी के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। महाराष्ट्र में हम उसे MIDC बोलते हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब कुछ लोग इसे, कुछ एरियाज में SEZs आ गए, कुछ एरियाज में ऐसे, तो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। यहाँ पे ना एक बिजनेसमैन को सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, वर्कर्स मिल जाते हैं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिए वो, समझा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम इन्होंने किया, किससे, IFCI ने। तो IFCI सिर्फ आपको लोन नहीं देगा, अगर आप एक फैक्ट्री डालना चाहते हो बट मैं आपको मदद करना चाहता हूँ तो मेरे को भी लोन देगा, मतलब मैं ऐसा बिजनेस डालना चाहता हूँ जिससे आपको फायदा हो। सिंस देन IFCI हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इट्स इनसेसेंट सपोर्ट, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट, टू बहुत इनिशियल स्टेजेस में जो सपोर्ट दिया है टू प्रोजेक्ट्स इन ऑल थ्री स्पीयर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने किसको किसको सपोर्ट दिया, देखो सबसे पहले आप फैक्ट्री डालना चाहते हो, आपको सपोर्ट, आप फैक्ट्री डालो, मैं आपको सपोर्टिंग एक्टिविटीज करना चाहता हूँ, जैसे मैं उस एरिया में रोड बनाना चाहता हूँ जहां पे आप फैक्ट्री डाल रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस डालना चाहता हूँ। बेटा आप फैक्ट्री डाल रहे हो, आपको लोन दे दिया, आपने फैक्ट्री डाली, गुड्स बनाए, गुड्स को डिलीवर करने के लिए किसी के पास ट्रक्स ही नहीं है, तो इन्होंने बोला ठीक है तू सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है इनको, हम उसके लिए भी तुझे लोन देंगे। एंड एग्रीकल्चर, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, आज भी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी पे डिपेंडेंट है, यही से अपनी इनकम जनरेट करती है। द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1991 मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। क्या बोला इन्होंने, लिबरलाइजेशन जब हुआ, लिबरलाइजेशन मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी को हम ओपन अप करते गए, तो उसके बाद किसमें चेंजेस आए, इंडियन कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंशियल सिस्टम टू एड मतलब हेल्प रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली थ्रू कैपिटल मार्केट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFCI वाज चेंज फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब IFCI वॉज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स। IFCI बाद में कंपनी बन गई एज पर कंपनीज एक्ट 1956। The name of the company was changed to IFCI Limited from October 1999. पहले IFCI purely government undertaking था, फिर धीरे धीरे capital market आ गया और government को समझ गया कि अब IFCI की इतनी जरूरत नहीं है, मतलब इतने strict control की जरूरत नहीं है IFCI के ऊपर, IFCI independently काम कर सकता है, ठीक है, और लोग IFCI के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन कैपिटल मार्केट से भी पैसा जमा कर सकते हैं। Since its inception, जब से शुरू हुआ है 70 साल पहले, it has witnessed and sustained all business economic cycles. Economic cycles पता है? Business economic cycles. Growth. Growth के बाद क्या आता है? Boom.
बूम होता है सॉरी, फिर उसके बाद आप मेच्योर होता है आपका मार्केट, फिर आपका रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। IFCI ने सारे फेजेस देख लिए हैं। IFCI हैज बीन एबल टू मेंटेन द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी विद द कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स एंड पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटा एक बात समझो, जब हमारा बिजनेस ग्रोथ फेज में होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ये डिप्रेशन में, ये रिसेशन में जब जाता है, ये रिसेशन में जब जाता है या डिप्रेशन में जब जाता है, यहां से बाहर निकालने का काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। यहां से बाहर निकालने का काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। देखो बिजनेसेस जब डिप्रेशन में चले गए, इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट तो करना चाहते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, बट बेटा मार्केट में डिमांड तब बढ़ेगी जब ये लोग बिजनेसेस ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, एम्प्लॉइज को सैलरीज देंगे, फिर एम्प्लॉइज बाकी के खर्चे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे पैसा पंप करना बहुत जरूरी होता है, डिप्रेशन में पैसा पंप करना जरूरी होता है विदाउट प्रिंटिंग मोर मनी। आप छाप के बांट दोगे ना तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो IFCI ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब जब हमारा देश डिप्रेशन में गया है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके उन्हें ऊपर लाने का काम IFCI ने किया है। इन एडिशन टू इट्स कोर कॉम्पिटेंस इन लॉन्ग टर्म लेंडिंग, IFCI लॉन्ग टर्म लोन्स देने में बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है। कोर कॉम्पिटेंस मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडस्ट्रीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स के लिए। ये देखो इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए IFCI बहुत ज्यादा केपेबल है। कोर कॉम्पिटेंसी इसमें ये लोग बहुत स्ट्रांग है। क्या देने में इनको? लॉन्ग टर्म लोन देने में IFCI बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। IFCI इज ऑल्सो एनहांसिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू थ्रू ऑप्टिमाइजिंग वैल्यू ऑफ कोर एंड नॉन कोर असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब क्या, इनके इनको जो लोन देके रखा है वो इनकी कोर असेट्स है। इसके अलावा IFCI ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है कि आपकी सारी की सारी कोर और नॉन कोर असेट्स या IFCI ने जहां जहां इन्वेस्ट किया है उनसे बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। सही जगह पे इन्वेस्ट कर करके IFCI अपने आप को और बेटर बना रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो ऊपर पढ़ा है उतना इंपॉर्टेंट था। IFCI का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट था, कंपनी बन गया IFCI लिमिटेड वो इंपॉर्टेंट था, किसको लोन देते वो इंपॉर्टेंट था, सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो इंपॉर्टेंट था, समझा। ओवर द इयर्स IFCI हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स। IFCI ने कुछ कुछ इंस्टीट्यूट भी बनाई है, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे, देखो अगर मैं इंडस्ट्रीज की भी बात करूं तो इंडस्ट्रीज में भी सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में सेगमेंट्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वैसा। तो IFCI ने और भी इंस्टीट्यूशन बनाए, दे आर रिस्पेक्टेड इन देयर फील्ड। जैसे IFCI ने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IFCI ने बनाया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था नेशनल ने बनाया, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, LIC ने बोला आपको हम लोग हाउसिंग फाइनेंस होम लोन्स भी देंगे, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ICRA, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन IFCI ने बनाए, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। विद द चेंजेस इन द मार्केट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यू ऑफ द सब्सिडरीज वर डाइवेस्टेड। करंटली IFCI ग्रुप हैज द फॉलोइंग सब्सिडरीज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनका है, IFCI वेंचर कैपिटल फंड, मैंने वेंचर कैपिटल समझा दिया था, वेंचर कैपिटल ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है जो काफी मॉडर्न है, जो इनोवेटिव है, जिनकी वजह से मार्केट में कुछ तो नया आएगा। IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, MPCON फुल फॉर्म देख लो जल्दी से, गूगल कर लेना MPCON का फुल फॉर्म, MPCON का फुल फॉर्म गूगल कर लेना, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। बस ये सारी चीजें याद रखो, नाम एक बार पढ़ लेना एग्जाम के पहले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, समझ लो का MPCON का फुल फॉर्म। अब आप IFCI के पास जाओगे तो IFCI has what all for you। मैं चला गया IFCI के पास कि IFCI क्या है तेरे पास, IFCI मुझे लोन दे सकता है, IFCI मेरे को प्रोजेक्ट फाइनेंस दे सकता है, IFCI कॉर्पोरेट फाइनेंसेस देता है, IFCI सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी का काम भी करता है। तो एक 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 डिटेल में देखते हैं हम लोग, इसके अलावा और क्या है देखते हैं, होगा होगा। इसके अलावा IFCI के पास कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी है, तो क्या क्या है IFCI के पास, लेट्स जस्ट सी। सबसे पहले IFCI के पास लोन प्रोडक्ट्स है। लोन मतलब आपको अलग अलग चीजों के लिए लोन चाहिए, इंडस्ट्री, मैंने फैक्ट्री डाली है, मैंने फैक्ट्री डाल दी, फैक्ट्री में एक बड़ी सी मशीन लेने के लिए लोन चाहिए, लेके जाओ, समझा। सो IFCI एस्टैब्लिश्ड एज दिस वाज फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक, वापस पढ़ लिया, ये लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म लोन देते थे, जब से ये शुरू हुआ है इट हैज बीन अ कैटलिस्ट। अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, प्लीज ध्यान दो, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है,
तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है जिसमें दो केमिकल्स मिलके तीसरा कुछ बनता है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अगर आप कोई चीज डालते हो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, आपने वाई केमिकल डाला और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई उस रिएक्शन की, तो वाई केमिकल को बोला जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है, मतलब ये केमिस्ट्री से आया हुआ टर्म है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे थे और मेरे लेक्चर की वजह से आपकी स्पीड बढ़ गई, तो माई लेक्चर हैज बिकम अ कैटलिस्ट। माई लेक्चर इज अ कैटलिस्ट बिकॉज उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, समझा? यहाँ पे तो IFCI बिकेम अ कैटलिस्ट इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। देखो, हमारे देश में इंडस्ट्रीज का बेस बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन में, एक्सपोर्ट बढ़ाने में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, एमपी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, एमपी कॉन, ओके, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नर्चरिंग सनराइज इंडस्ट्रीज, इन सबको बढ़ावा देने में। मतलब एक जमाना था हमारे पास इंडस्ट्रीज थे नहीं, ठीक है, हम मुश्किल से दो चार प्रोडक्ट्स बनाते थे। IFCI के आने के वजह से IFCI ने नए नए इंडस्ट्रीज को लोन दे दे के इंडस्ट्री का बेस बढ़ाया कि सर अब हमारे कंट्री में ये भी बनता है, वो भी बनता है, समझा? प्लस IFCI बिजनेसेस को लोन देती थी नए मशीन्स खरीदने के लिए, मॉडर्नाइजेशन। प्लस IFCI बिजनेसेस को लोन देती थी टू मेक दोस प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन। प्लस IFCI बोलती थी, अरे भाई साहब, मतलब IFCI उन इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती थी जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे थे। जो प्रोडक्ट हम पहले इंपोर्ट कर रहे थे अगर वो इंडिया में बनने लग गया तो इट विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और सनराइज इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्हें प्रमोट करना जरूरी था, समझा, देश को ऊपर लेके जाने के लिए, थ्रू कमर्शियली वायबल एंड मार्केट फ्रेंडली, कमर्शियली वायबल एंड मार्केट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, ठीक है, वो छोड़ दो। तो IFCI ने लोन प्रोडक्ट दे दे के हमारे काफी सारी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है। I'm sorry, I don't know, मेरे गले को क्या हुआ है, कुछ नहीं, बट ठीक है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू सर्विंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, IFCI ऑफर्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री सेगमेंट्स। क्या क्या? देखो, लोन तीन तरीके के देते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। तो एक ही प्रोडक्ट है लोन, उसके तीन पार्ट्स है, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड 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 तीसरा क्या बोल दिया उन्होंने नीचे, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। ये बीच में सिंडिकेशन क्या है वो बाद में समझाऊंगा बेटा। प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस मतलब मैं IFCI के पास एक पूरा प्रोजेक्ट लेके गया, मैं बोला हे IFCI, हेलो, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं क्या डालना चाहता हूँ, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट डालना चाहता हूँ, या मैं रोड बनाना चाहता हूँ, या टेलीकॉम प्रोजेक्ट डालना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा पैसा लगेगा। IFCI ने बोला अच्छा तेरा फैक्ट्री किधर है, मैंने बोला सर पहले प्रोजेक्ट तो सुनो, देखो मैं इतना बड़ा फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, उसमें ये मशीनें लगाना चाहता हूँ, रॉ मटेरियल इन इन लोगों से लूंगा, सेल करने के लिए मैं यहाँ यहाँ बेचूंगा, फॉरेन कंट्रीज में भी बेचूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने पूरा प्रोजेक्ट समझा दिया। यस, IFCI ने बोला तो हम क्या करें, मैंने बोला इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करो, पूरे प्रोजेक्ट को मतलब पूरा प्रोजेक्ट, इसमें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 20 मैं डालूंगा, 80 आप दो, आपको ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है पूरी आपके सामने, ये प्रोजेक्ट शुरू, अगर आप आज मुझे पैसे देते हो तो धीरे आप पूरे 80 करोड़ एक साथ दो मत दो ना, आज हम लोग 20 करोड़ डालेंगे, हमारा प्रोजेक्ट चालू होगा, फिर आप थोड़े पैसे दो, हम थोड़ा 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 बढ़ाएंगे, फिर एक साल में हमारा फैक्ट्री सेटअप हो जाएगा, फिर उसका सेल चालू हो जाएगा, आपको ऐसे ऐसे ब्याज देंगे। सो प्रोजेक्ट फाइनेंस, IFCI टीम ऑफ प्रोफेशनल विद इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्टरल डायनामिक्स, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग डायनामिक्स होते हैं। मतलब क्या, जैसे ही पैंडेमिक आया बच्चों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बूस्ट पकड़ लिया, एंटरटेनमेंट सेक्टर की वाट लग गई, है कि नहीं? आप खुद देखो, सारे के सारे एंटरटेनमेंट सेक्टर की वाट लग गई, बट फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने इतना बूम पकड़ा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो IFCI के पास अपनी खुद की प्रोफेशनल टीम है, ये हर एक सेक्टर को समझती है, किस सेक्टर में बूम आने वाला है, किस सेक्टर में नहीं आने वाला है, तो इनको पता है कि दे हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू मीट द ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ग्रीनफील्ड प्रोडक्ट हमने देख लिया, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आपका कोई बिजनेस नहीं और जिंदगी में आप पहला बिजनेस डाल रहे हो तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए आपको लोन मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मतलब आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, सर मेरा एक फैक्ट्री है बट मैं उसे पूरी तरह से मॉडर्नाइज करना चाहता हूँ, दैट इज अ प्रोजेक्ट। तो इसमें आता है रिन्यूएबल एनर्जी, सर सोलर पावर प्लांट डालना चाहता हूँ, टेली कम्युनिकेशन डालना चाहता हूँ, रोड, ऑयल एंड गैस, पूरा की पूरा पोर्ट डेवलप करना है मुझे, एयरपोर्ट हो सकता है या पोर्ट हो सकता है, एयरपोर्ट्स भी, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, रियल एस्टेट, स्मार्ट सिटीज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब, ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट है बेटा। इसमें एक सिंगल मशीन नहीं लेना है आपको,
आपको पूरा प्रोजेक्ट डालना है। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट्स आपको बता होना चाहिए, कॉर्पोरेट्स आर ऑर्गेनाइजेशंस विद सेपरेट लीगल एंटिटीज विच आर मैनेज्ड सेपरेटली। कॉर्पोरेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सेपरेटली मैनेज किया जाता है। इनको जब भी लोन्स की जरूरत पड़ती है तो कौन दे देता है? IFCI. IFCI caters to the various needs of diverse set of customers, जैसे कि small, mid, large corporates, छोटी corporates, medium corporates, large corporates, सबकी मदद करता है। तो IFCI सिर्फ छोटे लोगों के लिए नहीं है, IFCI industries को promote करने के लिए। IFCI को दिख रहा है कि इससे industry को promotion मिलेगा, फिर आप small क्यों ना हो, medium क्यों ना हो या large क्यों ना हो, आपको IFCI से loan मिल जाएगा। अब IFCI के पास इतने लोग नहीं जाते, फिर भी जा सकते हो। IFCI लिमिटेड के अभी भी कितने ऑप्शन है देख लो। IFCI offers financial solutions in areas of corporate financing through balance sheet funding. Balance sheet funding मतलब IFCI आएगा, आपका balance sheet चेक करेगा, आपकी balance sheet में क्या ही मिल जाएगा उनको। इधर देखेंगे वो लोग assets कौन सी है, इधर देखेंगे वो liabilities कौन सी है, और देखेंगे आपको और कितना लोन दिया जा सकता है। समझा यहाँ पे? ठीक है, एक सेकंड रुको, आई एम रियली फेड अप विद दिस। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड है ना। क्या बोल रहा था मैं, बैलेंस शीट में आपके क्या ही मिल जाएगा। इधर वो असेट्स देखेंगे, इधर वो लाइबिलिटीज देखेंगे। इनको दिख रहा है कि आपको और फाइनेंस देना कितना पॉसिबल है। असेट्स है 50 करोड़ के असेट्स है, 20 करोड़ के ही आपके पास लाइबिलिटी है। अच्छा, 30 करोड़ का और लोन दे सकते हैं, दैट इज बैलेंस शीट फंडिंग। बैलेंस शीट फंडिंग, लोन अगेंस्ट शेयर्स, आपने अगर किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हो तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके खिलाफ। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज चीजों को लीज पे ले लेती है, जगह लीज पे लेती है, फैक्ट्री की जगह लीज पे ले लेती है, तो आपको उसका रेंट भरना पड़ता है, तो उस पर डिस्काउंट, उस पर आपको वो आपको वो रेंटल जो आपको पे करना है वो IFCI दे देगी। प्रमोटर फंडिंग, मैं प्रमोटर हूँ, प्रमोटर क्या करता है, कंपनी स्टार्ट करता है, कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए फंड्स मैं IFCI से ले सकता हूँ। देखो बच्चों, अगर आप बहुत रिच हो ना, बहुत रिच, तो बिना पैसे इन्वेस्ट किए आप बहुत पैसे कमा सकते हो। मैं एक प्रमोटर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को एक नया कंपनी चालू करना है, मैं IFCI के पास जाऊंगा, IFCI के पास जाके बोलूंगा सर मुझे नया कंपनी चालू करना है जिसमें मुझे 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 10 करोड़ में डाल रहा हूँ, मेरे पास है 100 करोड़ की असेट्स घर पे पड़ी है सर, 10 करोड़ अभी डाल रहा हूं मैं, आप 40 करोड़ का लोन दो ना। प्रमोटर फंडिंग, 10 करोड़ में मैं 50 करोड़ की कंपनी चालू कर रहा हूं, और प्रमोटर्स के पास इनिशियल शेयर सबसे ज्यादा प्रमोटर्स रख लेता है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, IFCI देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स खरीदनी है, जिसे केपेक्स बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट खरीदनी है, ये लोग पैसा दे देंगे। मेंटेनेंस करना है असेट का, बेटा सिर्फ महंगी असेट्स खरीद के नहीं चलता, महंगी असेट्स का मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होता है, फैक्ट्री में जो मशीनें होती है ना उनका, उसके लिए भी लोन मिल जाएगा। IFCI आपको शॉर्ट टर्म लोन्स भी देते हैं जो अप टू 1 ईयर होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए। कॉर्पोरेट्स को ये लोन दे देंगे। फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, IFCI ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड डेट और मेजनीन प्रोडक्ट्स। मेजनीन इज द मिडिल लेवल, कभी भी याद रखो, मेजनीन मतलब मिडिल लेवल होता है, ऐसा जनरली है ना। एक्चुअली मेजनीन का मीनिंग क्या होता है, एक बात समझो, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बट वो कंपनी बहुत रिस्की बिजनेस कर रही है, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए भैया, तू जो भी कमाएगा ना उसमें से पहले मेरे को मेरा पैसा दे दे, तो मैं फर्स्ट लेवल का उनका कैपिटल प्रोवाइडर बन गया, मुझे वो लोग फर्स्ट लेवल में रखेंगे। ठीक है, मेजनीन बीच वाला लेवल होता है जिनको मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं, और फिर इक्विटी वाला लेवल होता है। तो एक बात समझो, मेजनीन का मतलब होता है मिडिल लेवल। अब देखो, फर्स्ट वाले को जब भी कंपनी कुछ भी कमाएगी, फर्स्ट वाले को सबसे कम, सबसे पहले पैसा देगी बट सबसे कम देगी, मतलब रिटर्न्स कम देती है, समझा। फर्स्ट वालों को 5% ही रिटर्न देगी उनकी इन्वेस्टमेंट पे, मेजनीन वालों को 10% दे देगी और इनको 18%। लास्ट वाले सबसे ज्यादा रिस्क उठा रहे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट शेयर भी उन्हें मिलेगा, ऐसा होता है कुछ। तो इन्हें कुछ मीडियम रेंज के प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, मेजनीन मतलब, एंड असिस्ट इन प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट। ऑप्टिमल, आपको लोन चाहिए बट आपके लिए क्या बेस्ट है उस हिसाब से हम आपको, जैसे स्पॉन्सर फाइनेंसिंग, एक्विजिशन फाइनेंसिंग, आप कुछ अक्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा हम लोग देंगे, स्पॉन्सर करना चाहते हो आप या आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए वो देंगे, प्री आईपीओ, आईपीओ तो आएगा बट आईपीओ को निकालने के लिए भी बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए आपको पैसा दे देंगे। ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन, सारी की सारी चीजें बैलेंस शीट को देख के नहीं, कभी कभी आपको ऑफ बैलेंस शीट लोन भी मिल जाएंगे। एंड लास्ट इज सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, बेटा सिंडिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना,
सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाना। तो IFCI आपको ग्रुप बनाने में भी मदद करेगी कि आपका और उनका बिजनेस सेम है तो एक क्लस्टर बना के काम करो ना, बहुत फायदा होगा। समझा कि नहीं समझा? सिंडिकेशन का मतलब है ग्रुप बनाना, एडवाइजरी का मतलब है एडवाइस देना। सो IFCI has taken initiative to provide customized corporate advisory services. आपको एडवाइजरी सर्विसेज देंगे हम लोग। फैसिलिटेटिंग द फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट हाउसेस एंड कंपनीज। बेटा कॉर्पोरेट हाउसेस बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे टाटा अंबानी, ये सब कॉर्पोरेट हाउसेज है, जिंदाल अडानी, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज है। तो IFCI उनको एडवाइजरी सर्विसेज देता है। एक सेकंड रुका। ठीक है, तो IFCI इन बड़े बड़े लोगों को क्या देता है? कॉर्पोरेट, इधर इधर, IFCI इन लोगों को क्या देता है? एडवाइजरी सर्विसेज, फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग। इनकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करता है। फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग मतलब सर देखो, आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, आपने आपका इतना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, हम इसको री इंजीनियर करेंगे। री इंजीनियर मतलब हम इसको चेंजेस वेंजेस लाके आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपका पैसा भी कम लगेगा और बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। समझा? विदा क्या होता है ना, बिजनेसमैन ने बिजनेस चालू कर दिया, उसमें इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया बिजनेसमैन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अब उसमें एक चीज होती है, उन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की है वो पुराने जमाने के हिसाब से, उनको लगता है मेरा पैसा इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। इनकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके देते हैं। इनको बोलते हैं सर नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप इतना पैसा खुद क्यों लगा रहे हो? लोगों से डिबेंचर्स, लोगों को डिबेंचर इशू करके उनसे लोन ले लो। डिबेंचर इशू करके लोन ले लोगे तो आपके पास ओनरशिप आपके पास ही रहेगी, तो वोटिंग पावर आपके पास रहेगी, बट पैसा बाहर से मिल रहा है। ऐसी उनकी री इंजीनियरिंग की जाएगी कि सारा पैसा आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। वी असिमिलेट द इनपुट, सारे इनपुट्स को गैदर किया जाता है, उनको समझा जाता है, एक साथ लाया जाता है फ्रॉम आर वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोजल अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट को डिटेल में चेक करना, इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब चेक करना। तो IFCI क्या करता है, IFCI के पास इतने प्रोजेक्ट आते हैं तो IFCI को एक अंदाजा आ जाता है कौन से प्रोजेक्ट में क्या क्या देखना चाहिए। तो अगर आप एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस हो तो IFCI आपको ये प्रोवाइड करेगा एडवाइजरी सर्विस कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस लाने चाहिए। मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे देखा है, उनको इससे बेनिफिट मिला है। डॉक्यूमेंटेशन, समझा? फ्रॉम योर वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोजल अप्रेजल, IFCI के पास डॉक्यूमेंटेशन का भी तगड़ा एक्सपीरियंस है। IFCI ग्रुप बनाने में भी एक्सपर्ट है, क्योंकि देखो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज IFCI के पास लोन मांगने आते हैं, IFCI बोलते हैं तुम सब मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लो ना। समझा? प्रोडक्ट डिजाइन कैसी करनी चाहिए, ये सारी चीजें IFCI तुम्हें प्रोवाइड करती है एडवाइजरी सर्विसेज। समझा? वी फर्दर कैरी आउट डेट एंड इक्विटी सिंडिकेशन आल्सो। डेट एंड इक्विटी सिंडिकेशन, तुझे लोन चाहिए, इसको भी लोन चाहिए, उसको भी लोन चाहिए, सबको मिला के एक साथ लोन दे देंगे। देखो मुझे लोन चाहिए 10 करोड़ का, आपको लोन चाहिए 15 करोड़ का, किसी को लोन चाहिए 20 करोड़ का, सबका मिला के एक ही बार IFCI बोलेगी हम आप सबका मिला के एक ही बार डिबेंचर्स इशू कर देंगे। दैट इज डेट सिंडिकेशन, इक्विटी सिंडिकेशन, एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब देती है। In the area of providing customized corporate advisory services, IFCI has been able to secure new assignments relating to financing and investment appraisal, business re-engineering and advisory activities. मतलब क्या? Financing and investment appraisal. मैं एक company हूँ, मैं finance लेना चाहता हूँ या इस company में invest करना चाहता हूँ, मैं IFCI के पास जाके इसका appraisal करवाऊंगा। Appraisal मतलब IFCI को बोलूंगा एक नजर मार के बताओ ना, मैं जो ये loan ले रहा हूँ अच्छा है, इतना ब्याज देने का मैंने प्रॉमिस किया है, इज दैट करेक्ट, क्या कम ब्याज देना चाहिए, ज्यादा ब्याज देना चाहिए, इतने लोन में काम हो जाएगा क्या, इन लोगों से लोन ले रहा हूं सही है क्या, बैंक से लू या डिबेंचर होल्डर्स से लू या किससे लू। मैं अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए मैं चला जाऊंगा किसके पास, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए मैं किधर किसके पास चला जाऊंगा, IFCI के पास। अप्रेजल मतलब मुझे चेक करके बताओ ना इसमें सब सही है बुरा है। बिजनेस री इंजीनियरिंग, सर मैं बिजनेस को पूरा मॉडर्न बनाना चाहता हूं, बताओ ना क्या करूं, IFCI के पास एडवाइस मांगने जाते हैं कॉर्पोरेट्स या दूसरी एडवाइजरी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो यहां तक था हमारा IFCI। अब हम जाते हैं SIDBI पे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आई होप ऑल आर विथ मी।
तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक देखे, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखे, IFCI देखा। सर IFCI क्यों देखा, क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट देख रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस की बातें कर रहे हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करते, तो IFCI एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था। ये कहाँ पे आ गए बच्चों हम, IFCI अगर ए था तो दूसरा हम बी देख रहे, इंडस्ट्रीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हम यहाँ पर थे बच्चों। आई एम सॉरी, दिस इज ट्रबलिंग मी अ लॉट टुडे एंड आई डोंट नो व्हाई, आई एम रियली फेड अप ऑफ दिस, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना तंग जिंदगी में किसी ने नहीं किया जितना ये व्हाइट बोर्ड तंग करता है मुझे। आई गेस मैं इसे यूज करने में कुछ गलती कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट चेक। ऐसा नहीं हो सकता कि यही खराब है, हो सकता है मेरी यूज करने में कोई गलती हो रही है इसको। चलो, इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दो चीजें देखनी थी। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने वाला कॉर्पोरेशन उसमें था IFCI, ये देख लिया हम लोगों ने। फिर हम आए SIDBI पे, अब हम जाएंगे SIDBI पे। नाम में लिखा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, नाम में लिखा है। ये जो बैंक है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जब इनके पास लोन मांग जाएंगे हम उनको दे देंगे। नाम में लिखा है SIDBI, तो ये लोग इन बड़े इंडस्ट्रीज को लोन इच नहीं देते थे। अब सब चेंज हो गया, SIDBI IDBI में मर्ज हो गया। IDBI का नाम था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब IDBI सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनी थी। इसका मतलब IDBI सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को लोन देगी। अब तो IDBI रिटेल बैंकिंग में भी घुस गया है। सर IDBI किधर घुस गया, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग मतलब मैं IDBI में जा सकता हूँ, अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, उसमें 500 रुपए जमा कर सकता हूँ, IDBI मेरे को ये भी देगी। फिर मैं हर महीने 500-500 जमा कर रहा हूँ, या फिर मैंने IDBI में बहुत पैसा जमा किया, फिर मैं IDBI के पास गया, बोला मेरे को हाउसिंग लोन चाहिए, हाउसिंग लोन हाँ दे देगी IDBI, मेरे को कार लोन चाहिए दे देगी IDBI। अब रिटेल बैंकिंग में घुस गया है, बट नाम इनका था इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, समझा यहाँ पे। तो IDBI किधर घुस गया, अब IDBI किधर घुस गया, ADBI, माई फादर कॉल्स इट ADBI, आई डोंट नो व्हाई, राइम होता है इसीलिए शायद, मेरे को बहुत मजा आता है जब पापा उसको क्या बोलते हैं, ADBI, IDBI, नाउ अगेन हाँ, अगे हम लोग वापस इस प्रॉब्लम पे, किधर भी चला जाता है। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। चलो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 को बना था, अगेन अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कोई प्राइवेट बैंक नहीं है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, उसमें बोला कि हम लोगों को एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगा। सर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सब एक्ट में लिखे हैं, समझा। एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर, इनका काम है प्रमोट करना स्मॉल इंडस्ट्रीज को, फाइनेंस भी देना, सिर्फ प्रमोट करना नहीं, तू अरे तू स्मॉल इंडस्ट्री खोल, नहीं तू खोल, हम तुझे लोन भी देंगे और उन्हें डेवलप भी करना, समझा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। बेटा सिर्फ छोटी बिजनेसेस को प्रमोट नहीं, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी प्रमोट करना। मैं एक छोटा बिजनेस डालना चाहता हूँ, सप्लायर्स ही अवेलेबल नहीं, IDBI बोला, SIDBI ने बोला कि हम उनको भी हेल्प करेंगे, समझा। यहाँ पे जैसे कल हम लोगों ने देखा था, हम फॉरेनर्स को बोल के आ गए मेक इन इंडिया, बट जब इंडिया में आए तो उनको इतने फॉर्म्स भरने थे, इसके लिए हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन सॉरी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में चेंज किया, हमने बोला एक ही वेबसाइट लो, समझा, NSWS सब कुछ इधर मिल जाएगा, वैसा इधर किया हमने। MSME डेवलपमेंट एक्ट तो बना दिया हमने, एक एक्ट बनाया MSME डेवलपमेंट एक्ट, इसमें क्लियरली लिखा कि MSME के डेवलपमेंट के लिए हमारा देश सब कुछ करेगा। वेरी गुड, मैं एक स्मॉल, मैंने बोला अरे वेरी गुड, मजे करो, मैं एक स्मॉल बिजनेस डालना चाहता हूँ, बहुत खुश हो गया मैं कि गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ने बोला हम तेरी MSME को डेवलप करेंगे, वेरी गुड, मैंने बिजनेस चालू किया। सर डेवलप कैसे करोगे, हम लोन देंगे, वेरी गुड, मैं गया SBI के पास, मैं MSME हूँ, गवर्नमेंट ने बोला है, SBI ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला है आपको लोन मिलना चाहिए, हमको नहीं बोला, समझा। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, MSME को डेवलप करने की बातें तो कर रहे हो, स्टेप्स तो उठाओ, MSME किधर जाएगा लोन मांगने के लिए, जिधर कमर्शियल बैंक के पास गया, तो कमर्शियल बैंक करते हैं एंटरटेन, बट बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है, SBI के भी बात जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ SBI मेरे को मना कर देगा, SBI बोलेगा भाई तेरे जैसे 100 MSMEs मेरे पास आके बैठे, मेरे को सबका प्रोजेक्ट देखने तो, और मैं डिपॉजिटर्स का पैसा लेके दे रहा हूँ भाई,
तुम में से अगर एमएसएमई है, स्मॉल बिजनेस है, कभी भी बंद पड़ सकता है, मैं बिजनेस इन्वेस्टर को क्या चाहिए, डिपॉजिटर को क्या जवाब दूंगा? तो एमएसएमई को लोन देना इतना आसान नहीं था, फार्मर्स को भी लोन देना है, कमर्शियल बैंक की भी इश्यूज है, मैं नहीं बोल रहा कमर्शियल बैंक खराब है, कमर्शियल बैंक को सोचना पड़ता है डिपॉजिटर का पैसा है उनके पास, समझा यहाँ पे? तो एमएसएमई रोने लग गया कि सर एक जगह पे बोलते हो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, हाथ फैलाने जाते हैं हम तो कोई हमें लोन भी नहीं दे रहा है, हमारी बातें सब, चलो लोन मत दो, हमें कुछ तो सजेशंस दो। इसके लिए सिडबी बनाया गया, सिडबी आपको हेल्प करेगा जैसे आईएफसीआई इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहा था, समझा यहाँ पे? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक बनाया गया एमएसएमई को डेवलप करने के लिए। सिडबीज इनिशिएटिव हैव रिमेंड अलाइंड टू द नेशनल गोल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एलिविएशन रिमूवल। सिडबी ने देखो, अगर आप स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करोगे तो अपने आप हमारे देश से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। जो बंदा एक स्मॉल बिजनेस डाल रहा है वो क्या ही कर लेता, स्मॉल बिजनेस में छोटा सा वेफर बनाने का फैक्ट्री डाल रहा हूँ, वेफर्स बनाने का फैक्ट्री, मैंने एग्जांपल्स देके इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे, समझा? छोटा सा मैंने क्या किया, एक कढ़ाई ले लिया, दो बड़ी कढ़ाई ले ली, पैसे थे मेरे पास 2-4 हजार रुपए, दो बड़ी कढ़ाई ले ली, उसमें तेल लाके डाला और वेफर्स बना रहा हूँ, कौन से सादे आलू के वेफर्स, दिन भर बनाता हूँ, फिर पैक करता हूँ, उठाता हूँ और बेचने चला जाता हूँ मार्केट में, वेफर्स पसंद आ रहे हैं लोगों को, धीरे 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 मेरा सेल बढ़ रहा है, मैं ज्यादा आलू खरीदता हूँ, बट अब मैं कब तक दो कढ़ाई पे काम करूंगा? वेफर्स पसंद आ रहे तो मुझे बिजनेस बढ़ाना चाहिए। और अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मैं इतना हताश हो गया था जिंदगी में कि मेरे पास कुछ जॉब नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो मैं बेचारा वेफर्स बेचने लगा। अब मेरा वेफर्स का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैंने दो कढ़ाई लगा के दो लोगों को काम पे रखा। तो माइक्रो बिजनेस मेरा एकदम छोटा बिजनेस है, 20-25 हजार का इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया मैंने, बट इससे फायदा देखो क्या हुआ, मैं जो जॉब मांगते घूम रहा था, अनएम्प्लॉयड बोलता था खुद को, आज दो लोगों को 5-5 हजार रुपए की नौकरी क्यों ना देके बैठा हूं। तो जो बंदा खुद यहाँ पे जॉब मांगते घूम रहा था और देश को नाम रख रहा था कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, खुद तो 20-30 हजार रुपए महीने को कमा लेता है और 10 हजार रुपए की सैलरी भी दे देता है लोगों को, ये बंदा वॉचमैन की वगैरह नौकरी करने चला जाता, बट आज खुद का एक छोटा सा बिजनेस डाला है। अब अगर इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा इस देश में जी के उसका? इसीलिए एमएसएमई को का सबसे बड़ा मकसद होता है, इस बैंक का भी सबसे बड़ा मकसद होता है पॉवर्टी एलिविएशन। मेरे जैसे गरीब को अगर 2 लाख का लोन भी मिल जाएगा, 2 लाख जितने का लोग फोन खरीदते आज, अमीर लोग जितने रुपीज का एक फोन खरीदते हैं, उतना लोन अगर मुझे मिल जाए ना, मैं और 4 लोगों को जॉब पे रख लू, मैं एक बड़ा फ्रायर ले लू, कढ़ाई की जगह पे एक बड़ा फ्रायर ले लू, बेटर क्वालिटी के चीजें ले लू, वो वेफर्स बनाने के लिए मैं बेटर मशीन ले सकता हूँ और 2-4 लोगों को जॉब पे रख सकता हूँ, बेचने के लिए एक बंदे को जॉब पे रख सकता हूँ, उसको 2-5 हजार, तो पॉवर्टी एलिविएट कैसे हो रही है? मैं अकेला तो गरीबी से बाहर नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ साथ 2-4 लोगों को जॉब पे रख के उनको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, किंडलिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है। मेरे जैसा बंदा जो डर रहा था कि सर मुझे वॉचमैन की भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब मेरे को आइडिया आ गया कि मैं वेफर्स बेच सकता हूँ, वेफर्स से मेरे दिमाग में आया चिवड़ा भी बेचते हैं, हमने नमकीन जिसे आप अलग अलग लैंग्वेज में नमकीन भी बेच सकते हैं यार, वेफर्स तो बिक रहे हैं, उसके साथ साथ मैं लोगों को अपना नमकीन अपना शेव ये भी बेचता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग में आता है कि लोगों को क्या चाहिए, जब मैं बिजनेस में घुसूंगा तो मुझे पता चलेगा लोग किस किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, वैसे वैसे बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकता हूँ। एंड फॉस्टरिंग कॉम्पिटेटिवनेस इन एमएसएमई सेक्टर्स, सम ऑफ द सिडबी की इनिशिएटिव ओवर द पास्ट 25 ईयर्स ऑफ टायरलेसली प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज आर टायरलेसली। पहला, इन्होंने टोटल मिला के 5.4 लाख करोड़ का पैसा डाला है एमएसएमईज में, प्रोवाइडिंग अ क्यूम्युलेटिव असिस्टेंस ऑफ अराउंड 5. असिस्टेंस मतलब हेल्प, कितनी हेल्प कर दी एमएसएमईज की पिछले 25 सालों में 5.4 लाख करोड़ रुपीज में, डॉलर्स में नहीं, डायरेक्टली इंपैक्टिंग ओवर 360 लाख पर्संस, 3 करोड़ 60 लाख पर्सन या एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली इंपैक्ट किया है, डायरेक्टली मतलब 360 लाख पीपल को इन्होंने लोन दिया है खुद, और उन लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके इनडायरेक्टली क्या क्या नहीं किया होगा, थ्रू इट्स ब्रांच नेटवर्क ऑफ 80 offices स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज थ्रू नेटवर्क ऑफ बैंक इंस्टीट्यूशन जिसमें 1.25 लाख, तो इन्होंने डायरेक्टली 360 लाख बिजनेसेस को लोन दिया है। तो डोंट यू थिंक हर एक बिजनेस में दो दो लोग, मतलब 3.6 करोड़ लोगों को लोन दे दिया इन्होंने, अप्रॉक्सिमेटली 3.6 करोड़ बिजनेसेस को लोन दे दिया, इसमें से कुछ प्राइवेट होंगे, आई मीन सोल प्रोप्राइटर्स होंगे, कुछ पार्टनरशिप होंगे, बिजनेसेस को लोन दे दिया, अगर हर एक ने सिर्फ 2 लोगों को भी जॉब पे रखा है तो ये 3.6 करोड़ है, तो कम से कम 7.2 करोड़ लोगों को तो जॉब मिली, सबने 2 लोगों को काम पे रखा और खुद भी कमा रहा है, 10-12 करोड़ लोगों को इन्होंने मदद वैसे भी कर दी, बहुत बड़ा नंबर है बच्चों ये, समझा कितने सारे कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं है। नेक्स्ट,
एक्सटेंडिंग लोन्स, इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनरशिप के लिए आपको शेयर्स बेचने हैं, एमएसएमई हो आप छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपको छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एमएसएमई हो सकती है, कॉजी इक्विटी एग्रीगेटिंग टू, कॉजी मतलब ओनरशिप के जैसा ही, आपको सिडबी पैसा दे रही है लाइक एन ओनर ओनली, सिडबी बोल रही भैया इस पे ब्याज मत दे प्रॉफिट देना, बट हम तेरे पास वोटिंग राइट नहीं मांगने आ रहे, कॉजी इक्विटी, इक्विटी की तरह ही इन्वेस्टमेंट दिया अप टू 13,689 crores, बेनिफिटिंग कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, 356 lakh, डिसएडवांटेज पीपल मोस्टली वुमेन थ्रू इट्स माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, डीपनिंग इट्स आउटरीच बाय नर्चरिंग एंड इवॉल्विंग मोर देन 100 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हु हैव, सॉरी MFIs, एक सेकेंड रुको, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मैं वही डर गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहां से आ गया मेरे मुंह में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में एक सेकंड के लिए शॉक हो गया, आई एम सॉरी, संडे मॉर्निंग है ना तो थोड़ा सा होता है, तो इन्होंने क्या किया 100 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है, दैट आर डीपनिंग देयर आउटरीच। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है बच्चा, पता है क्या बच्चों, ये 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का लोन देते बिजनेसमैन को। आजकल लोग अगर मेरे को एक आईफोन लेने का है बच्चों, मेरे को एक आईफोन लेने का है 1.5 lakhs का, ध्यान दो जरा, एकदम शांति से सोचो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं हम, कंपनी सेक्रेटरी कर रहे, बिजनेसेस को देखने वाले, बेटा मेरे को एक आईफोन लेने का 1.5 lakh का, मैं बजाज फाइनेंस के पास गया, बेला मेरे को आईफोन लेने का है भाई, मेरे को लोन दो, बजाज फाइनेंस मेरे को लोन दे देगा। इस 1.5 lakh में ना, अगर मैं बोलू ना, नहीं बोला तो भी 3 से 4 लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को वड़ा पाव का ठेला डालना है 25-30,000 रुपए की जरूरत है, वो वड़ा पाव का ठेला डाल के रोज के 1,000 रुपए कमा लेगा उधर, समझा यहाँ पे, समझा, बट उसको लोन नहीं देंगे, वो बोल रहे सर मुझे 40,000 का लोन दे दो, मेरा वड़ा पाव का ठेला चालू हो जाएगा, प्लीज दे दो, उसको लोन नहीं देते लोग। इसको अगर वड़ा पाव के ठेले के लिए लोन दिया, ये आज खुद वहां पे काम करेगा, इसके घर वाले बेचारे इसको नहीं सपोर्ट कर पा रहे, फॉर एग्जांपल इसकी वाइफ ऑलरेडी किधर जॉब कर रही है, इसका बच्चा बेचारा पढ़ रहा है, तो ये किसी को जॉब पे भी रख देगा, और रोज के नहीं बोला तो 500 से 1,000 रुपए कमा लेगा, अगर रोज के 1,000 रुपए कमा लेता है तो महीने के अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज कमा रहा है, 3 महीने में 4 महीने में ये 1 lakh, चलो 4 से 5 महीने में एक आईफोन जितना पैसा ये कमा लेगा, बट उसको लोन नहीं देते, समझा कि नहीं समझा, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि एक आईफोन की कॉस्ट में कितने सारे लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस ऐसा चालू कर सकते हैं। अभी दिवाली आई है तो बहुत लोग वो बिजनेस करते हैं, दिवाली का जो मिठाई मिठाई हम लोग बना के बेचते हैं, बहुत लोग घर से वो बिजनेस करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगता उसको, इनको लोन नहीं मिलते, तो इनको लोन देने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ये लोन मांगने के लिए आप SBI के पास जाओ, वो बोलेंगे सर हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, हम आपको लोन देना चाहते हैं सर, बट 10,000 के लोन को प्रोसेस करने में हमारी जान निकल जाएगी, हमारा प्रोसीजर इतना बड़ा है, इतने सारे फॉर्म्स है, हमारे 10,000 और 20,000 का लोन देने के लिए हमको सच में नहीं परवड़ता सर, समझा, इट्स नॉट अबाउट आप छोटे हो या, बट हमारे को उसमें एफर्ट्स डालने को भी नहीं परवड़ता, इसीलिए 100 से ज्यादा MFIs बनाए, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, जो अपना एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस नहीं, अपनी रीच एक्सपैंड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विलेजेस, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे एरियाज में पहुंच रहे हैं, सपोर्टिंग मोर देन 1.16 lakh बडिंग मतलब एग्जिस्टिंग, सॉरी नए वाले एंड एग्जिस्टिंग entrepreneurs by infusing skills and reskilling initiatives. सिर्फ पैसा नहीं दे रहे, सेठ भी बोल रहे तेरे को अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या तेरे को नया कोर्स करने के लिए जिससे तेरी स्किल इंप्रूव हो जाएगी, लेके जा भाई, समझा, ऐसे 1.16 lakh लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, तेरे पास कुछ स्किल नहीं है हम उसके लिए लोन देंगे, स्किल है बट तेरे को और स्किल रीस्किलिंग के लिए चाहिए उसके लिए भी देंगे, फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बाय अडॉप्टिंग SIDBI plus approach and creating its subsidiaries and associate institution for providing impetus to growth of micro MSME. Institution building मतलब क्या पता है क्या? एक ऐसा organization बनाना जिसके पास MSMEs जा सकते हैं। सर हमारे लिए कोई organization ही नहीं, कोई institution ही नहीं जिधर जाके हम रो सकते हैं कि सर हमारे ये problems solve करो, समझा यहाँ पे? I hope समझ गया, तो ये SIDBI. लास्ट वन, डेवलपिंग अ पैशनेट पूल,
डेवलपिंग अ पैशनेट पूल ऑफ 1000+ प्रोफेशनल्स जिसमें 22% वेमेन होंगे, 40% SC/ST और OBC कैटेगरी के लोग होंगे फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ डायनामिक एंड कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग MSME सेक्टर। ठीक है, ओके चलो। सो डेवलपिंग अ प्रोफेशनल प्रूफ पूल ऑफ 1000+ प्रोफेशनल्स, ठीक है चलो। सो 1000 से ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल्स जो एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे। बच्चों प्रोफेशनल्स का काम ही होता है अच्छे से, प्रोफेशनल्स का काम होता है प्रोफेशनली काम करना, मतलब अच्छे से सपोर्ट करना इन सब चीजों को। तो 1990 में सिडबी बना, 94 में माइक्रो फाइनेंस वाला कंसेप्ट लाया गया, 95 में टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, समझा यहाँ पे, विच कन्वर्टेड इंटू टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी हम लोग देंगे। 99 में सिडबी का वेंचर कैपिटल फंड, आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो जिसके पास एक अच्छा सा कंसेप्ट है तो ये एंटरप्रेन्योर फंड आपके लिए है, समझा यहाँ पे। 2000 में सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, कि आपको लोन मिलेगा, हम क्रेडिट की गारंटी देते हैं। 2005 सेटिंग अप ऑफ SMERA रेटिंग्स लिमिटेड, समीरा, इज इट समीरा, SMERA, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी, क्या लिखोगे इधर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी। स्मॉल बेटा रेटिंग जरूरी है सर, ना यर्स मत लर्न करो, इतनी कोई जरूरत नहीं है, समझा, फिर भी एक रीडिंग हमेशा जरूरी होता है बेटा। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की रेटिंग्स होना जरूरी थी। 2008 बर्थ ऑफ SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ISARC, इंडिया SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या होता है ना, SMEs के पास जो असेट्स होते हैं, अगर SME लॉस में जा रहा है तो कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। सेटअप ऑफ मुद्रा, बेटा मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म देख लो। मुद्रा क्या करता है पता है क्या, प्रोजेक्ट लोन्स देता है आपको। मुद्रा आपको क्या देता है पता है, प्रोजेक्ट लोन्स। आपको एक छोटा मोटा गराज डालना है, इनके पास जाओ, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट होने दो, सर मुझे गराज डालना है, सर मुझे छोटा सा होटल डालना है, एकदम छोटा, ज्यादा नहीं, 100-200 लोग बैठ रहे, 10-20 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी मुद्रा लोन आपको बहुत ज्यादा, मुद्रा लोन क्या बोलते हैं बताइए, आपको प्रोजेक्ट डालना है ना डालो, उसके लिए जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपको मशीन्स चाहिए वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, समझा। आपको बिल्स ला के देने पड़ेंगे, बट कि आपको अगर हमने 10 लाख रुपए का लोन दिया है तो 10 लाख के बिल्स ला के देने पड़ेंगे कि आपने ये सारी चीजें, प्लस फोटोज भी ला के देनी पड़ेंगी कि आपने ये बिजनेस चालू किया। अगर बिजनेस चालू करो ना, गवर्नमेंट अच्छे कामों के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, समझा, याद रख लो। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी या रीफाइनेंस एजेंसी, क्या याद रखोगे, माइक्रो यूनिट, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। अगर इसके बारे में एक और लाइन पढ़नी है तो ये देखो, ये क्या करता है, ये स्मॉल लोन्स देता है, समझा, यहाँ पे स्मॉल लोन्स देता है किस किस को, ठीक है, और करता क्या है वो सब इधर दिया है, ज्यादा मत, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, छोटे छोटे लोन्स देते रहेगा लोगों को। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा है, आपको डेटर से जो बिल लेना है वो आप बैंक के पास, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग याद है ना, मैं हूं KB सर, मैंने गुड्स बेचे हैं एक्स को, एक्स के नाम का बिल बनाऊंगा, ये बिल लेके जाऊंगा बैंक के पास, बैंक को बोलूंगा देखो एक्स इज गोइंग टू पे आफ्टर 2 मंथ्स, बैंक को बोलूंगा एक्स इज गोइंग टू पे आफ्टर 2 मंथ्स, आप मुझे आज ही पैसा दे दो, 1 लाख रुपए का बिल था, मैंने बैंक को बोला देखो सर 2 महीने बाद एक्स आपको 1 लाख रुपए देने वाला है, आज मुझे 1 लाख दे दो, बैंक बोलती है 2 महीने बाद मिलने वाले ना, तो ठीक है हम 97,000 तुझे आज दे देते हैं, 2 महीने बाद 1 लाख ले लेंगे, 3,000 मेरा ब्याज, समझा यहाँ पे, समझा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज
ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर एंड एमएसएमई पल्स एंड क्रीसिड एक्स। कुछ नहीं है इसके बारे में, ठीक है छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरआरबीज। तो आरआरबीज अब हम करेंगे कल या आज बाद में, अभी क्या है मैंने बोला था आज मैं सब खत्म करूंगा, बट कुछ चीजें सुनो प्लीज, ध्यान दो इधर। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ठीक है, टुडे आई वॉज गोइंग टू टेक करंट अफेयर्स एट 12, बट मैम डिड नॉट नो दिस, ठीक है, मैम को ये पता नहीं था, इट्स ओके, मैम का और मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। तो मैम ने आज 11 o'clock को स्टूडेंट्स लेक्चर रखा है, मैम का लेक्चर है 11 को बच्चों, एंड कुछ स्टूडेंट्स काफी दूर से अपने अपने क्लास पे आने वाले हैं ऑन आई कैन प्रीमाइसेस, सो दैट्स व्हाई दे आर स्पेशली कमिंग फॉर मैम्स लेक्चर। सो ऑब्वियसली लाइव भी होता है वो लेक्चर, आपको भी पता है मैम वहां पे भी कुछ बच्चों को सिखाता है और लाइव भी होता है, कुछ बच्चे आई कैन के प्रीमाइसेस पे आने वाले हैं, सो दैट इज व्हाई अभी एट 11 o'clock यू विल बी हैविंग मैम्स लेक्चर, माय लेक्चर विल बी रीशेड्यूल्ड, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। हमारा कोशिश था, टारगेट था कि आज हम इस चैप्टर को खत्म कर दे, बट ठीक है कोशिश तो है, टारगेट भी है, कुछ नहीं बचा इसमें, सिर्फ इतना बचा है, अभी नहीं होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ एक छोटा सा ब्रेक लो तुम लोग, इसको हम आधे वन घंटे में आज ही कभी तो भी खत्म कर देंगे, मैं आपको बोल दूंगा मैं कब लाइव आ रहा हूं। ओके, हमने आज बहुत पढ़ा है तो एक ब्रेक लेना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है, एक बार ये हो गया क्योंकि एनबीएफसी भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स। अब हमारा क्या पेंडिंग है बताया क्या, अब हमारा पेंडिंग है तीन चीजें, ठीक है, अब हमारा क्या क्या पेंडिंग है, तीन चीजें, आर आर बी, एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, आ जाएगा आप लोगों को अपडेट।